तो देखिए हम लोग चलते हैं बायोलॉजी का रिवीजन में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, ज़्यादातर पादप जगत और जंतु जगत, कोशिका विज्ञान तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज़्यादा पेड़ पौधा और उसके बाद आपका जंतु विज्ञान के बारे में सबसे ज़्यादा आपका देखने को मिल रहा है। इसलिए पादप जगत और जंतु जगत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले कोशिकीय विज्ञान के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कोशिका, या सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में अगर आते हैं तो जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसी विज्ञान की शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, विज्ञान की वही शाखा हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के बारे में पहली बार जानकारी दिया था अरस्तु साहब, अरस्तु दिए थे। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, या जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता, दोनों का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों का पिता या जनक कौन? तो अरस्तु, अरस्तु को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन जीव विज्ञान में पहली बार शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रेबनियस ने किए थे। ध्यान रखिएगा, शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रेबनियस ने किए थे, ध्यान रखना है। लैमार्क जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, और यही लैमार्क जो थे पहली बार जैव विकास को समझाए थे, जैव विकास का सिद्धांत दिए थे, लैमार्क, ध्यान रखना है। तो ये लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेबनियस जर्मनी के रहने वाले थे, ट्रेबनियस जर्मनी के, ध्यान रखना है। तो इन दोनों ने मिल करके जीव विज्ञान शब्द को गढ़ा था। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द देने का काम किए थे। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेबनियस, लेकिन जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, दोनों का पिता अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया लैमार्क और ट्रेबनियस। 1801 में किया था, ये भी ध्यान रखना है, 1801 में। अब देखिए जीव विज्ञान जो है ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है जी, जीव विज्ञान जो आया वो ग्रीक शब्द से आया, बायो प्लस लॉजी, बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन, तो वही होता है आपका बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, याद रखिएगा, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, ध्यान रखिएगा। एक देखिए वनस्पति विज्ञान मतलब पादप विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी दिया थियोफ्रेडस, इसलिए पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेडस, पादप विज्ञान का पिता किसको? थियोफ्रेडस, ध्यान रखना है, थियोफ्रेडस को ध्यान रखना है। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, ये भी ध्यान रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है जब कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेडस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ध्यान रखिएगा। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया लैमार्क और ट्रेबनियस। ये अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु जो थे यूनान के रहने वाले थे, अरस्तु यूनान के रहने वाले थे, और अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर, सिकंदर जो थे अरस्तु के शिष्य थे, और अरस्तु के गुरु का नाम था, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो, प्लूटो।
अब प्लूटो गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात ध्यान रखिएगा, सुकरात। तो जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण की बात पहली बार जॉन रे किया था, वर्गीकरण बांटने का काम किया, ये जाति और वंश के आधार पर बांटने का काम किया। हालांकि बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर एच हेटेगर। आर एच हेटेगर पहली बार जीवधारियों को बांट भी दिए पांच वर्ग में जीवधारियों को बांटने का काम आर एच हेटेगर ने किए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमेलिया। एनिमेलिया बोले तो जंतु विज्ञान, जंतु जगह ध्यान रखिएगा। तो पहली बार जीव विज्ञान में जंतुओं की वर्गी या जीव जंतु के वर्गीकरण की बात कौन किया? जॉन रे। वर्गीकरण की बात किया जॉन रे। लेकिन पहली बार जीव विज्ञान में जीव जंतुओं को पांच वर्ग में बांटने का काम कौन किया? आर एच हेटेगर। आर एच हेटेगर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान में जीव जंतुओं के नाम पर आया गया। नाम तो उसका नाम जो है दो आधार पर दिया जाता है, एक वंश के आधार पर, एक जाति के आधार पर। जीव जंतुओं का नाम जो है दो आधार पर आया, एक वंश के आधार पर, एक जाति के आधार पर। लेकिन वंश के आधार पर और जाति के आधार पर दो आधार पर जीव जंतुओं का नाम रखेंगे, इस बात की व्याख्या पहली बार कैरोलस लिनियस ने किया, या सी लिनियस, या उन्हीं को कार्ल लिनियस कहा जाता है। इसलिए द्विनाम पत्ति का जनक या पिता कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस को जाता है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को कहा जाता है। या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान अरस्तु, जीव विज्ञान और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया लैमार्क और ट्रेवनियस। लैमार्क और ट्रेवनियस जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। लैमार्क और ट्रेवनियस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए। जीव विज्ञान में जीवधारियों को वर्गीकरण की बात कौन? जॉन रे। लेकिन पहली बार जीवधारियों को पांच वर्ग में कौन बांटे? आर एच हेटेगर। आर एच हेटेगर ध्यान रखिएगा, पहली बार पांच वर्ग में। और जीव विज्ञान में द्विव नाम पत्ति का जनक या पिता किसको? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस या आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी किसको? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी हम लोग कैरोलस लिनियस से लिनियस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैरोलस लिनियस साहब जो थे वो दो गो पुस्तक भी लिखे थे, एक जेनेरा प्लांटेरस, एक पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। जेनेरा प्लांटेरस और सिस्टेमा नेचुरी ध्यान रखना है, सिस्टेमा नेचुरी यह आपका जो है कैरोलस लिनियस कार्ल लिनियस का पुस्तक का नाम है, पुस्ता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। द्विव नाम पत्ति को यही लाया, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, मानव के वैज्ञानिक नाम यही दिया, ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम में तो कुछ कुछ का आपको याद होगा, शुरू से पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मेढक का राना टिग्रिना, गाय का बोस इंडिकस, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, ये सब याद होगा। तो वही है मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिज फैमिलीज, गाय का बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का, ध्यान रखिएगा, बोस इंडिकस गाय का। और भैंस का बुबालस बुबालस, बुबालिस ध्यान रखना है, बुबालस बुबालिस, भैंस का बुबालस बुबालिस। और शेर का पैंथरा लियो है, देखिए पैंथरा लियो, शेर का पैंथरा लियो, और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस बोलेगा तो बाघ, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, और शेर का पैंथरा लियो, और चीता का पैंथरा पार्डूस है, चीता का पैंथरा पार्डूस, चीता का वैज्ञानिक नाम आपको पैंथरा पार्डूस, ध्यान रखना है। और लंगूर का जो है ध्यान रखिएगा होमिनोडिया, होमिनोडिया लंगूर यानी बंदर का है, ध्यान रखिएगा। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, ध्यान रखना है। आम का मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा एस्टिवा,
और गेहूं का ट्रिटका मिस्टिवम, गेहूं का ट्रिटका मिस्टिवम, एक मटर का भी याद होगा पीसम एस्टिवम, या उसी कहते हैं पायसम एस्टिवम, पायसम एस्टिवम। और सरसों का याद रखिएगा ब्रासिका कंपोस्टिज, सरसों का ब्रासिका कंपोस्टिज, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका। और चना का, चना का जो होता है ध्यान रखिएगा साइसर एरिटिनम आपका जो है चना का है, ध्यान रखिएगा साइसर एरिटिनम आपका चना का। इसके बाद कमल का निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन, बरगद का फाइकस बैंडालिसिस, गन्ना का सुग्रेंस ऑफिसिनेंस नस, और आपका कपास का गैस्पियम, और मूंगफली का एराकिस हाइजोपिया, हाइजोपिया ध्यान रखिएगा। मेन रूप से वैज्ञानिक नाम यहाँ पर जैसे आपको याद रखिएगा कमल का, कमल का निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बरगद का, बरगद का क्या बताएं, फाइकस बैंडालिसिस, फाइकस बैंडालिसिस याद रखिएगा। आपका जो है मोर का तो जानवे करते हैं पावो क्रिस्टेसस, ध्यान रखिएगा पावो क्रिस्टेसस। तो कमल का निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन और बरगद का फाइकस बैंडालिसिस, बरगद का फाइकस बैंडालिसिस ध्यान रखिएगा। और आपका जो है सरसों का क्या बताएं, सरसों का ब्रेसिका कंपोस्टिज, ब्रेसिका कंपोस्टिज। और चना का साइसर एरिटिनम, चना का साइसर एरिटिनम, चना का साइसर एरिटिनम याद रखिएगा। तो याद रहेगा इतना, तो बताइए सबसे पहले बताइए बाघ का क्या बताएं, बाघ का पैंद्रा पैंथरा टाइग्रिस। अच्छा शेर का क्या बताएं, पैंथरा लियो, शेर का पैंथरा लियो, शेर का पैंथरा लियो। और चीता का पैंथरा पार्डूस, चीता का पैंथरा पार्डूस। अच्छा चना का क्या बताए थे, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। सरसों का ब्रासिका कंपोस्टिज, ब्रासिका कंपोस्टिज। और कमल फूल का निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन, निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन, कमल का आपका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन ध्यान रखिएगा, कमल का हो जाएगा। और इसके बाद आपको बरगद का क्या बताएं, फाइकस बैंडालिसिस, फाइकस बैंडालिसिस याद रखिएगा इतना। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम था, एग्जाम में पूछता है ध्यान रखिएगा। और बिल्ली का क्या बताए थे जी, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता का कैनिज फैमिलीज, कैनिज फैमिलीज, कुत्ता का कैनिज फैमिली ध्यान रखना है, कुत्ता का कैनिज फैमिलीज हो गया। और गाय का बोस इंडिकास, और आम का मैग्नीफेरा इंडिका, और मोर का पावो क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस याद रखिएगा। चलिए अब देखिए जीव विज्ञान में जंतुओं को जो बांटा गया वर्गीकरण में ध्यान रखना है, जीव विज्ञान में जो जीव विज्ञान में जंतुओं को पहली बार वर्गीकरण की बात तो जॉन रे किया, जॉन रे ने पहली बार वर्गीकरण की बात किया जॉन रे, लेकिन बांटने का काम किया आर ए छटेकर, आर ए छटेकर ने जीव विज्ञान में आपका जंतुओं को बांटने का काम पहली बार किया, वो पांच वर्ग में बांटे जंतुओं को, पांच वर्ग में बांटे मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप एनिमेलिया, कवक पादप एनिमेलिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कि मोनेरा में कौन कौन सा जीव आता है और प्रोटिस्टा में कौन कौन सा जीव आता है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए साइनोबैक्टीरियम एर्किबैक्टीरियम ये सब जो आपका बैक्टीरियम है ने वो मोनेरा में रखा गया है, जबकि अमीबा पैरामीशियम और ये आपका ट्रिप्नोसोमा जो आपका है ये सब प्रोटिस्टा में रखा गया है ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए आपका मोनेरा, तो मोनेरा तो हम लोग देखेंगे ही, इसमें मेन एग्जाम्पल देखेंगे ही। फिलहाल ध्यान रखिएगा जीव जंतु को
कोशिका के आधार पर भी दो भाग में बांटा जाता है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जिसका आपका जो है उसका शरीर अविकसित कोशिका से बना हुआ हो, विकसित ना हो, अविकसित कोशिकाओं से बना हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसका शरीर विकसित कोशिकाओं से बना हुआ हो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, उसको हम लोग यूकैरियोटिक हैं, ध्यान रखिएगा। तो अविकसित कोशिकाओं से बना जीव को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, और विकसित कोशिकाओं के आपका जो है बना जीव को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो जो भी आपका जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ अमीबा पैरामिशियम हाइड्रा ये सब जो भी है ने सब आपका जो है प्रोकैरियोटिक में आएगा, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन जो बड़े बड़े जीव जंतु विकसित आपका देख रहे हैं वो सब आपका यूकैरियोटिक में आएगा, सारा यूकैरियोटिक में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोनेरा, तो मोनेरा में देखिए किसको रखा गया, तो मेन रूप से इसमें अविकसित कोशिकाओं से बना जीव जंतु को रखा गया मोनेरा में, अविकसित जिसका शरीर अविकसित कोशिकाओं से बना हुआ हो उसको मोनेरा में डाल दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अविकसित कोशिकाओं अर्थात इसमें सब प्रोकैरियोटिक जीव आता है, मोनेरा में जितना भी जीव है सब आपका जो है किस कोशिका से बना हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ध्यान रखिएगा, जैसे जीवाणु साइनोबैक्टीरियम आर्किबैक्टीरियम सब मोनेरा जगत में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोनेरा जगत के जीवधारियों का कुछ लक्षण, तो कुछ लक्षण यही है कि अनुवांशिक पदार्थ इसमें नहीं रहेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव में अनुवांशिक पदार्थ बोले तो डीएनए नहीं रहेगा इसमें, ध्यान रखना है। झिल्ली द्वारा बंधा हुआ भी नहीं रहता, उसका शरीर में कोई झिल्ली उल्ली नहीं रहेगा, जीव द्रव इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, केंद्रक भी नहीं मिलेगा आपको मोनेरा जगत के जितना भी जीव जंतु है उसमें, ध्यान रखना है। इसकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है, पॉलीसेकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होता है इसकी कोशिका भित्ति में, पॉलीसेकेराइड के साथ एमिनो अम्ल। केंद्रीय झिल्ली नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का रिक्तिकाएं भी नहीं रहता है मोनेरा जगत वाले जीव जंतु में, प्रकाश संश्लेषी रसायन संश्लेषी और परपोषी होता है, मतलब तीनों तरह का गुण इसमें मिलेगा। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अस्थिकरण की क्षमता भी पाई जाती है, मतलब मोनेरा जगत के कुछ जीव जंतु भी ऐसे हैं जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदलने की भी क्षमता रखती है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोनेरा में आप याद रखिएगा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव को रखेंगे कि यूकैरियोटिक, जीवाणु साइनोबैक्टीरियम आर्किबैक्टीरियम किस में आएगा, मोनेरा में आएगा, मोनेरा में ना आएगा। सभी अविकसित कोशिकाओं से बने जीव जंतु को किस में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मोनेरा जगत के कुछ आपका जीव जंतु का प्रमुख उदाहरण दे दिया गया, जैसे पहला जीवाणु है, तो जीवाणु ध्यान रखिएगा, जीवाणु जो है ये वास्तव में पौधा नहीं है, पौधा नहीं लेकिन फिर भी पौधा के जैसा गुण रखता है जी, ध्यान रखना है। इसमें कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है, इसकी कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधे की कोशिका से बिल्कुल ही भिन्न होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे पेड़ पौधे में हालांकि जीवाणु भी जो है ना, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, इसलिए जीवाणु को हम लोग पादप जगत के विज्ञान में रख करके अध्ययन करते हैं, जीवाणु हमारा पादप जगत में रखा गया है, ध्यान रखना है। सभी जीवाणु तो नहीं लेकिन कुछ जीवाणु, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या रहता है, तो ये पेड़ पौधे में क्लोरोफिल जो होता है उसके जगह पर इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है जी,
बैक्टीरियो क्लोरोफिल पूछ सकता है एग्जाम में। जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसमें किस प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल याद रखिएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ध्यान रखना है। अब देखिए अगला एक आपका जीव है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटिज। मोनेरा जगत का ही जीव है ये। एक्टिनोमाइसिटिज मोनेरा जगत के अंतर्गत पाए जाने वाला प्रमुख जीव है, ध्यान रखिएगा। कवक सम जीवाणु है, मतलब एक ऐसा जीवाणु जो है जो कवक के जैसा गुण रखता है, ध्यान रखिएगा। ये जीवाणु है जिनकी रचना कवक जाल के समान होती है, तंतुवत शाखित होती है। इन्हें पहले कवक माना जाता था लेकिन अभी इसको आपका मोनेरा जगत में जीवाणु माना जाता है, ध्यान रखिएगा। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के कारण इसको जीवाणु माना जाता है लेकिन कवक के जैसा गुण रखता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस इस समूह का एक महत्वपूर्ण वंश है। कवक सम जीवाणु के अनेक जातियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं, मतलब इस प्रकार के एक्टिनोमाइसिटिज नामक जीवाणु से एंटीबायोटिक का गुण इसमें रहता है जी। इससे आपका एंटीबायोटिक दवा बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है, या बनाया जाता भी है, ध्यान रखिएगा। तो एक तरह का कवक है लेकिन इसमें आपको जो है बहुत सारा गुण जीवाणु से मिलता जुलता है। इसका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है इसलिए इसको आपका किसमें जीवाणु में रख करके अध्ययन कर लिया गया है। अब है आर्किबैक्टीरियम जो है ना, ये धरती पर सबसे पहला बार जो पैदा हुआ वो जीवाणु का ही निर्माण हुआ। धरती पर सबसे पहला जीव जो आया वो जीवाणु ही आया, ध्यान रखना है। जीवाणु आया और उस जीवाणु का नाम था आर्किबैक्टीरियम, पूछेगा एग्जाम में आर्किबैक्टीरियम। इसलिए प्राचीनतम जीवित जीवाश्म में कहा जाता है इसको, सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से किसको, आर्किबैक्टीरियम को। और यही सब प्रश्न है कि अंदर जाके घुस के आपको मारता है एकाध क्वेश्चन तो आपको पत्ते न चलता है कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है। जीवाणु का नाम आया तो पत्ते नहीं चल रहा है, तो उतना डिटेल पढ़ ले रहिएगा तब ने, लेकिन पढ़ता कौन है, बहुत कम लोग पढ़ना चाहता है। अब लोग सोच रहा है कैसू शॉर्टकट पहुँच जाए, ध्यान रखना है कैसाऊँ शॉर्ट मार के एग्जाम की तैयारी हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपके जैसन जैसन 75 को रोड पर घूम रहा है, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे आते हैं। तो याद रखिएगा ये जीवाणु जो होता है पादप जगत में रख करके अध्ययन करते हैं, क्योंकि जीवाणु में भी क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा। और एक्टिनोमाइसिटिज नामक जीवाणु जो होता है कवक जैसा गुण रखता है लेकिन ये आपका प्रोकैरियोटिक होने के कारण मोनेरा में रख करके अध्ययन कर लिए इसको, और इससे आपका एंटीबायोटिक दवा भी बनाया जा सकता है। एक था आर्किबैक्टीरियम, ये भी मोनेरा जगत का सबसे प्रमुख आपका जीव है आर्किबैक्टीरियम, और धरती पर आने वाला सबसे पहला जीवाश्म जो है जीव जो है आर्किबैक्टीरियम। इसलिए प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं, आर्किबैक्टीरियम। अब देखिए साइनोबैक्टीरियम जो है ने, ये आपका प्रकाश संश्लेषित जीवधारी है। ये पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण करता है एकदम पूरी तरह से, इसमें कोई आपका दुविधा नहीं है, इसमें एकदम पेड़ पौधा की तरह गुण होता है। ये पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषी आपका जीव है, याद रखिएगा। पृथ्वी का सफलतम जीवधारी का समूह माना जाता है इसको, ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरियम को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, साइनोबैक्टीरियम को नीलहरित शैवाल के नाम से, नीलहरित शैवाल के नाम से, ध्यान रखना है। ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारी के साथ सहजीवी के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो यह आप याद रखिएगा, मोनेरा में याद रहेगा। जीव विज्ञान में जीवधारियों को वर्गीकरण की बात कौन किया, जॉन रे। अब पहली बार 5 वर्ग में कौन बांटा,
आरएच हेटेकर, आरएच हेटेकर ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका मोनेरा जगत में कौन सा जीव को रखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इसी में साइनोबैक्टियम आर्किबैक्टियम आया, साइनोबैक्टियम और आर्किबैक्टियम। सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसको, आर्किबैक्टियम। और पूरी तरह से आपका प्रकाश संश्लेषित जीवाणु कौन, साइनोबैक्टियम। दो चीज याद रखिए ना जी, बस आर्किबैक्टियम में प्राचीनतम याद कर लीजिए और साइनोबैक्टियम में प्रकाश संश्लेषित याद कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में देखिए किसको रखा गया, प्रोटिस्टा में ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय विकसित, एक कोशिकीय विकसित कोशिका से बने जीव जंतु को रखा गया। उसका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बना रहेगा, वहां पर था अविकसित, अविकसित मोनेरा में, इसमें एक कोशिकीय विकसित। और ज्यादातर वैसे जीव जंतु को रखा गया प्रोटिस्टा में जो जल में रहता है, पानी में रहता है, ध्यान रखिएगा। तो एक कोशिकीय अविकसित, एक कोशिकीय अविकसित कोशिका से बने जीव जंतु को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में। इसमें मेन आपका उदाहरण याद रखिए, जैसे आपका ट्रिप्नोसोमा, ये ट्रिप्नोसोमा जो है ध्यान रखिएगा, ट्रिप्नोसोमा एक तरह के कहिए कि आपका प्रोटोजोआ है, इसके कारण नींद का बीमारी होता है। ट्रिप्नोसोमा नामक आपका प्रोटोजोआ जीव जो है आपके बॉडी में फैल जाएगा तो आप में नींद का बीमारी आना चालू हो जाएगा। तो ट्रिप्नोसोमा के कारण नींद का बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटिस्टा में रखा गया है ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास, ध्यान रखना है क्लाइडोमोनास, सब आपका किस में आता है, तो आपका प्रोटिस्टा में, ध्यान रखना अमीबा पैरामीशियम और क्लाइडोमोनास, अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास, किस में, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में, ध्यान रखिएगा। अब पादप जगत है, तो पादप जगत में पेड़ पौधा आएगा और कौन आएगा, पेड़ पौधा ही आएगा पादप जगत में, पादप जगत में आपका पेड़ पौधा ही आएगा, दूसरा को कुछ तो आएगा नहीं, ध्यान रखना है। तो पादप जगत में पेड़ पौधा को रखा गया है। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधा की कोशिका भित्ति सेलोज का बना होता है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होगा, कोशिका भित्ति होगा, और इसमें भोजन स्टार्च और लिपिड के रूप में जमा रहता है, और इसमें लवक होता है, प्लास्टिड होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है पेड़ पौधा, पादपों की वृद्धि असीमित होता है, शाखाओं के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो बताइए साइनोबैक्टियम, बैक्टियम किसमें आया, मोनेरा में। प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम किसमें आया, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में न। और सारा पेड़ पौधा किसमें आएगा, पादप जगत में, पादप जगत में। धरती पर सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कौन, आर्किबैक्टियम, आर्किबैक्टियम। धरती पर सबसे पहला जीवित जीवाश्म आपका जो है आर्किबैक्टियम, प्राचीनतम जीव, ध्यान रखिएगा। और पेड़ पौधा में भोजन जो है स्टार्च और लिपिड के रूप में जमा रहता है जी, ये भी याद रखिएगा, स्टार्च और लिपिड, स्टार्च और लिपिड के रूप में, ध्यान रखना है। अब देखिए कवक जगत, तो कवक जगत में मेन रूप से आपको जो है इसमें वे पौधे शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना है। ज्यादातर उसको रखा गया है जो आपका मृत पदार्थों से, मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन की प्राप्ति अवशोषण विधि के द्वारा करता है, उसी को कवक जगत में रखा गया जी। इसमें मेन रूप से कवक आता है, फंगी मशरूम ये सब जो भी है ना, सब आपका पेनिसिलिन सब कवक जगत में रखा जाता है। और कवक जगत का कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ध्यान रखिएगा, इसका कोशिका भित्ति काइटिन का। और ये परपोषी होता है, यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, परजीवी होता है, ध्यान रखना है।
और पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं अवशोषण विधि के द्वारा। मृत परजीवी भी होता है, सड़े गले पदार्थों से, मृत पदार्थों से भोजन आपका आप घटक करके करते हैं, ध्यान रखिएगा, अवशोषण विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ग्लाइकोजेन के रूप में इसमें भोजन जमा रहता है, कवक में भोजन जो है ग्लाइकोजेन के रूप में, इसमें ईस्ट, मशरूम और दीमक आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो पेड़ पौधा में भोजन जो है किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च और लिपिड। जबकि कवक में किस रूप में भोजन जमा रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में आपका भोजन जमा रहता है, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। अब है जंतु जगत, तो जंतु जगत में मेन रूप से यूकैरियोटिक कोशिका से बने जीव को हम लोग जंतु जगत में रखेंगे, एनिमेलिया में रखेंगे, ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक कोशिका बोले तो विकसित कोशिका से बने जीव जंतु को किसमें, तो आपका जो है किसमें, एनिमेलिया में, जंतु जगत में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी परपोषी होता है, जंतु भी आपका परपोषी, वृद्धि सीमित होता है, निश्चित आकार होता है, चलियामान होता है, खुद चलता है, और कोशिका ऊतक अंग और अंग तंत्र का विकास होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और जंतु की कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है, और जीव जंतु में भी आपका भोजन जो होता है वो आपका ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहता है, याद रखिएगा। तो ये था मेन रूप से बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, तो याद रहेगा इतना। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस, और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेटस, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जीव विज्ञान में वर्गीकरण की बात कौन किया, जॉन रे। लेकिन पहली बार जीव विज्ञान को वर्ग, जीव जंतुओं को पांच वर्ग में कौन बांटा, आरएच, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, और चौथा पादप, पांचवा एनिमेलिया, एनिमेलिया ने, आर्किबैक्टियम, साइनोबैक्टियम और ये सब जीवाणु किस में आता है, मोनेरा में। और आपका जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल में होता है जीवाणु में जी, और वो प्रकाश संश्लेषण करता है। और मोनेरा जगत को इन्हें पहली बार भार धरती पर निर्माण होने वाला जीव की संज्ञा दिया गया। अब मोनेरा जगत में अविकसित ने प्रोकैरियोटिक वाला, ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक वाला ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसको, आर्किबैक्टीरियम, और दीव नाम पत्ति का जनक किसको, कैरोलस लिनिया, सी लिनियस को हम लोग दीव नाम पत्ति का जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कैरोलस लिनियस को दीव नाम पत्ति का जनक, ध्यान रखिएगा। और सिस्टमा नेचुरू और आपका जो जिन्ना प्लांटेनम दो गो पुस्तक लिखे थे सी लिनियस, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसके बाद एक बात और बता दीजिए, पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च और लिपिड। जबकि कवक में भोजन किस रूप में, ग्लाइकोजेन। पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज ने, और जबकि जंतु या कवक की कोशिका झिल्ली किसका, काइटिन का, ध्यान रखना है, काइटिन का बना होता है। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले याद रखिएगा, कोशिका जो होता है वो किसी भी जीव जंतु का सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होता है, यूनिट है, इकाई। हमारे शरीर की सबसे छोटा जीव नहीं बोल सकते हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटा जीव एक नहीं बहुत है, एक हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम जो काम कर रहा है, और वही सिस्टम हमारे शरीर में सबसे छोटा है, उसी सिस्टम को हम लोग कह दिए कोशिका, सेल कह दिए, ध्यान रखना है।
अब कोशिका मेन रूप से दो तरह का होता है, एक पादप कोशिका एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होता है ना, उसका आकार लगभग आयताकार होता है, आयत के रूप में होता है, आयताकार। जबकि जंतु कोशिका जो होता है वृत्ताकार होता है, सर्कुलर जैसा होता है जंतु कोशिका, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोशिका के बारे में पहली बार जो बताए थे रॉबर्ट हुक साहब बताए थे 1665 में, और कोशिका की परिभाषा भी दिए रॉबर्ट हुक साहब, कोशिका नाम दिए भी रॉबर्ट हुक साहब। पहली बार कोशिका का खोज, कोशिका का नाम, कोशिका का परिभाषा, तीनों आपका देने का काम किए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक देने का काम किए, ध्यान रखिएगा। तीनों का आपका बात दिए थे आपका रॉबर्ट हुक, ये आपको ध्यान रखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक आपको जो है दिए थे। रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखे थे, याद रखिएगा। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कोशिका के बारे में बताए हैं, पूरा जानकारी दिए हैं माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे ना, वो लकड़ी का एक आपका जो है छोटा सा टुकड़ा था, उसी में आपको देखे थे सरल सूक्ष्मदर्शी से आपका माध्यम से, एक आपका छोटा सा छोटा आपका जो है सिस्टम को देखे, मधुमक्खी के जाल के जैसा दिखा था, ध्यान रखना है। और उसी सिस्टम को देख कर कह दिए कि भैया यही तो हमारा सेल है, ध्यान रखना है। लेकिन बाद में निरीक्षण किए रॉबर्ट हुक तो पता चला कि तो मृत है, क्योंकि आपका लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे, ध्यान रखना, उसी को कॉर्क कैबियन कहा जाता है। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यानी गुटका को ही आपका कॉर्क कैबियम कहा जाता है, उसी को लेकर के ये आपका जो कोशिका के बारे में बताए थे, अर्थात ये मृत कोशिका के बारे में बताए थे। लेकिन कोशिका नाम कौन दिया? रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में खोज पहली बार रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज जो है किया था, तो कोशिका का आकार कैसा बताया? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। कॉर्क कैबियम नामक पदार्थ से कोशिका का खोज किए थे, ध्यान रखना 1665 में। वही सब देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, कोशिकाओं का बना होता है हमारा शरीर। हमारा शरीर जीवन की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं इसमें। विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, जल रहेगा, अन्य पोषक तत्व भी रहेगा, अकार्बनिक पदार्थ भी होता है जी, खनिज लवण भी होता है। जैसे जल, जल हमारा अकार्बनिक पदार्थ ही हुआ, खनिज लवण भी हमारा अकार्बनिक पदार्थ ही हुआ, ध्यान रखना है। जल और खनिज लवण, ध्यान रखना है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है, ध्यान रखना है। तंत्रिका कोशिका का इकाई न्यूरॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कोशिका अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखना है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास, और ये अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास जो है प्रोटिस्टा संघ में रखा गया है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने का चांस है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा जीव या कौन सा सूक्ष्म जीव या आपका एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा में रखा गया, तो अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास प्रोटिस्टा में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। जबकि हम लोग का पूरा शरीर बहु कोशिका से मिलकर के बना होता है, ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि आपका लगभग 60 किलोग्राम का कोई भी आपका व्यक्ति या कोई भी आपका जीव में लगभग 60×10^15 आपका कोशिका होता है जी, 60×10^15 कोशिका होता है, ध्यान रखना है। 60 किलोग्राम का कोई भी आपका जो है जीव जंतु को लीजिएगा तो उसमें उतना सेल होता है, याद रखिएगा। अब देखिए
आगे हम लोग आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ज्यादातर याद या ज्यादा समझ में उन्हीं का आएगा जो पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना है, जो फाउंडेशन बैच किए हैं, पढ़े हुए हैं, चाहे कहीं पर भी पढ़े हुए हैं, रिवीजन किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, पकड़ लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। आप नहीं पढ़े हुए हैं तो हो सकता है कि पीछे आपको बता रहे हैं तो ठीक याद हो रहा है, याद तो हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, ध्यान रखना है। लेकिन जो हमसे विद्यार्थी पढ़े हुए है उसको पीछे भी याद रहेगा, क्योंकि उसको इतना बार हम पढ़ाए हैं, इतना बार रिवीजन कराए हैं और अभी भी रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान रखना है, अभी भी रिवीजन होते रहता है, वो अपने आप आपका जो है रिवीजन करते करते दिमाग में बैठ जाएगा, ध्यान रखना है। तो पूरा सिलेबस को आपका कमांड कीजिए, ध्यान रखना है। एग्जाम जितना आप सोचे हुए हैं उतना आसान एग्जाम नहीं है, एग्जाम अब बहुत टफ कर दिया है, उसके लिए सबसे हट करके आपको रणनीति बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। मेहनत की आग में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, झुलसना पड़ेगा, तभी आपको होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा बाबू। चलो ध्यान रखिए, आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही होता है जी, यानी कि जितना भी बड़ा बड़ा कोशिका आपका जो है, मतलब जो भी बड़ा बड़ा जीव जंतु है न, वो पूरा उस जीव जंतु में जितना भी कोशिका का विकास हुआ है, कहीं ना कहीं एक ही कोशिका से बहुत सारा कोशिका बना, और ये पॉसिबल है कोशिका विभाजन से, बिना कोशिका विभाजन से पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी एक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही होता है, ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आगे देखते हैं, कोशिकाओं को मिलने से, ध्यान रखिएगा, उत्तक बनता है, उत्तक को मिलने से अंग बनता है, और अंग को मिलने से अंग तंत्र, और पूरा हमारा एक बॉडी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कोशिका का खोज, तो अब ये बताएं, कोशिका का खोज सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से रॉबर्ट डुक 1665 में, ध्यान रखना है, और बताएंगे अभी, इसलिए तो अभी नहीं बोले, नहीं बताएंगे, कोशिका विभाजन में बताएंगे, ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। तो आपका इन कोठारियों को सेल नाम दिया, और इनका जन्म 1635 में हुआ था इंग्लैंड के व्हाइट द्वीप पर रॉबर्ट हुक का, ध्यान रखना है। लिवेनहॉक बाद में आपको एक नई कोशिका के बारे में जानकारी दिए थे, और जीवित कोशिका का खोज लिवेनहॉक ने किए थे, और लिवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज आपका 1674 में किए थे, 1674 में, ध्यान रखना है। बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज कर दी, रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के केंद्रक का खोज कर दी। तो मृत कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका के बारे में लिवेनहॉक, जीवित कोशिका लिवेनहॉक और कोशिका के केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना है। अब देखिए जीव द्रव, जीव द्रव से भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन। देखिए जीव द्रव जो है इसका खोज किया था दुर्जाडीन, ध्यान रखना है, जीव द्रव का खोज किया दुर्जाडीन, लेकिन जीव द्रव का नाम दिया पुरकिंजे, जीव द्रव का नाम दिया पुरकिंजे, या जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया पुरकिंजे। बाद में एक और वैज्ञानिक आया मैक्स सुल्ज, और मैक्स सुल्ज जो है जीव द्रव का सिद्धांत दे दिया, थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, ध्यान रखना है। यानी जीव द्रव का सिद्धांत मैक्स सुल्ज ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैक्स सुल्ज, तो जीव द्रव का खोज किया दुर्जाडीन, जीव द्रव का खोज किया दुर्जाडीन, जीव द्रव का नाम दिया पुरकिंजे, जीव द्रव का नाम दिया पुरकिंजे, जीव द्रव का नाम दिया पुरकिंजे, और जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया, मैक्स सुल्ज, मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा। मैक्स सुल्ज जो थे वो जीव द्रव का सिद्धांत दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स सुल्ज जीव द्रव का सिद्धांत दिए थे। बाद में ही पढ़ाएंगे हम आपको, जीव द्रव में कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक दो पदार्थ दोनों होता है, जीव द्रव में कुछ आपका जो है गैस भी होता है, हालांकि जीव द्रव में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में,
80% इसमें जल ही होता है, ध्यान रखिएगा। और जीव द्रव जो होता है वो दो भाग में बटा हुआ रहता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। एक कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जीव द्रव का दो भाग, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव, ध्यान रखना है। जीव द्रव का दो भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बाद में स्लाइडेन और स्वान, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम रहता है स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन साहब जो थे वो पादप कोशिका के बारे में बहुत सारा बात बताते हैं, और स्वान साहब जंतु कोशिका के बारे में बहुत सारा बात बताते हैं। अर्थात दोनों के बात को मिला जुला करके नाम दे दिया गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको जो है कौन बताया, तो आपका स्लाइडेन और स्वान। लेकिन कोशिका विभाजन के बारे में पहली बार बताया था बिरचाऊ। बिरचाऊ नामक विद्वान ने पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में बताया, और बिचाऊ साहब भी कहा, बिचाऊ साहब भी कहे थे कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, बिरचाऊ साहब। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान। लेकिन आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे हुए है कि पादप कोशिका सिद्धांत कौन दिया, ऑप्शन में स्लाइडेन भी है और स्वान भी है। वहां पर जो नए पढ़ रहेगा कंफ्यूज कर जाएगा, काहे को तो पढ़ के किया है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान, स्लाइडेन स्वान पढ़ ले है, ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिएगा, पादप कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और जंतु कोशिका सिद्धांत दिया स्वान। पादप कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और जंतु कोशिका सिद्धांत दिया स्वान, ध्यान रखना है। तो जंतु कोशिका का सिद्धांत स्वान साहब और आपका स्लाइडेन जो है पादप कोशिका का सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिका विभाजन की बात पहली बार बिरचाऊ ने किए थे, ध्यान रखना है। एक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही होती है, इस बात को बताने वाले बिरचाऊ थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही है, यहाँ पर स्लाइडेन ने कहा पादप का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। स्लाइडेन ने कहा पादप का भी शरीर छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। 1839 में स्वान ने ही बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अर्थात इन दोनों का आपका बताया गया बात को क्या कह दिया गया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ध्यान रखना है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें में आपको 7 बताया गया। कोशिका सिद्धांत में आपका 7 बताया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत में 7 बताया जाता है। आपसे एग्जाम में आने वाला समय यही पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका सिद्धांत में नहीं दर्शाया गया है, या कौन से बात कोशिका सिद्धांत में नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसे कह सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है, आजकल का क्वेश्चन अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप पढ़ना है नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब हुआ, एग्जाम में बैठिएगा तो लिखल रहेगा नीति आयोग का गठन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, फंस गए, ध्यान रखना है। अब पढ़ी के न गए तो फंस ही गए, तो डिटेल जानने का जरूरत है। आप देखते ही डिस्कशन में सब बताते रहते हैं, योजना आयोग का भी बताएं कि उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कुछ और था लेकिन आपका गठन आपका जो है करने के बाद उसका काम कुछ और दिया गया, ध्यान रखना है। उसी तरह से जितना भी चीज का गठन हुआ है वो गठन का वर्ष नहीं पूछता है, अब उसका उद्देश्य पूछता है, उसका कार्य पूछता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी कोशिका सिद्धांत आपसे नहीं पूछेगा, कोशिका सिद्धांत में दर्शाए गए बातों को पूछेगा। कोशिका सिद्धांत में कौन कौन सा बात है, कौन कौन सा बात नहीं है, ये आपसे पूछ सकता है। इसलिए इन 8 को ध्यान रखिएगा। लुसेंट में 2 बात दिया है, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, डिवीजन करा रहे हैं तो अपना थ्योरी वाला बुक से, अपना किताब से आपको बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, मेरा किताब को भी खाली फॉलो करके आप बढ़िया से पढ़ते हैं ना, बेसिक के साथ मेरा किताब बनाया हुआ है, अगर उसको भी अच्छा से पढ़ते हैं रेगुलर आपका रीडिंग डाल करके, बहुत जबरदस्त आपका जिक्के जिस मजबूत हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा तरीका से, ध्यान रखना है। तो नोट्स तो अभी मार्केट में सुविधा है नहीं, आने वाला समय में मेरा नोट्स भलो मार्केट में बिकेगा, अभी नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं।
तो कोशिका सिद्धांत में पहला बात बोला गया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। पहला बात में बोला गया कि जितना भी जीव जंतु है धरती पर, वो जितना भी जीव जंतु धरती पर है, सभी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है। समझ गए? पहला बात, जितना भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। सही बात है। अमीबा, परमिशियम, क्लाइडोमोनास एक कोशिका, जबकि हम लोग का शरीर बहु कोशिका, ध्यान रखना है, बहु कोशिका से। दूसरा, कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, एक सिस्टम है। हमारे शरीर का, हमारे शरीर में काम करने वाली एक आपका सबसे छोटा इकाई है, जीव का इकाई है, ध्यान रखना है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये आपको बताया गया। दूसरा, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो पहला बात याद रखिएगा, पहला बात में क्या बताया गया कि प्रत्येक जीव जंतु का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा बात में बोला गया कि जीव जंतु का सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, वही परिभाषा जो है दूसरे का बात में। तीसरा, सभी कोशिकाएं आधारी रूप से एक समान होती है, जिनमें जीव द्रव केंद्रक को कोशिका अंग होते हैं। मतलब जितना भी कोशिका होता है हमारे बॉडी में, सब आधारी रूप से आपका सभी लोग, आपका सभी का आकार सेम होता है, ध्यान रखना है। बेसिकली ध्यान रखना है, मतलब गुण के आधार पर अगर आपका जो है उसमें रचना के आधार पर देखे तो लगभग आपका सेम मिलेगा। हाँ, अलग अलग कोशिका का गुण अलग अलग बल होगा। हड्डी में कोशिका जो है उसका काम अलग है, और रक्त में जो कोशिका है उसका काम अलग अलग है, लेकिन उसका आकार क्या होगा, सेम रहेगा। तो सभी कोशिका का आकार समान होता है, ये भी याद रखिएगा, सभी कोशिका का आकार समान होता है। और कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका अंग होता है, जीव द्रव होता है, याद रखिएगा। कोशिका पर पतली कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, यानी कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होता है। पादप रहेगा तो कोशिका भित्ति, जंतु रहेगा तो कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल पादप आहु में होती है, पेड़ पौधे में, प्राणी कोशिका में आपको नहीं होती है, ध्यान रखना है। प्राणी कोशिका में नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जीव जंतु कोशिका में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला बात में जीव जंतु का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा बात में कोशिका जो है, ध्यान रखिएगा, शरीर का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा बात में कोशिका का रूप रचना आधारित रूप से समान होता है। और चौथा, कोशिका के बाहरी भाग पर कोशिका झिल्ली होता है या कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली जंतु में होता है, कोशिका भित्ति पादप में होता है, कोशिका भित्ति पादप में, ध्यान रखना है। अब पांचवा पॉइंट में बताया गया, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रियाएं एक समान होती है जी। सभी कोशिकाओं के अंदर होने वाला जो भी रासायनिक प्रक्रिया है ने, उपापचयी की क्रिया, जो भी क्रिया हो रहा है, सब एक समान होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला सेल में ज्यादा आपको जो रासायनिक क्रिया हो रहा है तो ये वाला सेल में ज्यादा हो रहा है, नहीं, सब में आपको जो है उपापचयी की क्रिया समान होती है। इसलिए कोशिका को सजीव की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। आने वाला समय में आपको दाग देगा क्वेश्चन, तो फड़फड़ाते रह जाइएगा वहीं पर, कोजित आएगा, बता दे रहे हैं, कहेगा नहीं, कोशिका को जीव जंतु का रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया, किस आधार पर कोशिका को जीव जंतु का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा गया, क्यों कहा, क्योंकि सभी कोशिका में रासायनिक उपापचय की क्रिया समान होती है। समझ गए? सभी कोशिकाओं में रासायनिक उपापचय की क्रिया समान होती, इसी आधार पर कहा गया कि हमारी कोशिका शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। बन जाएगा ना, हम सेट में दागे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ध्यान रखना है। देखिए, हम पहला ही बोले हैं कि जो विद्यार्थी खाली हमारे सिद्धांत पर चलिएगा ना,
तो 6 से 7 महीना में इतना ताबड़तोड़ आपका तैयारी हो जाएगा कि जिसका आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। खाली रेगुलर 6 से 7 महीना तपस्या लीन हो जाइए आप। शनिवार को शनिवार नहीं, रविवार को रविवार नहीं, फ्राइडे को फ्राइडे नहीं। अभी हम देख रहे हैं दुर्गा वाला लेखन को, बहुत सारा इसमें 10-20 लेखन गायब है। खाली सेट मारने आता है बाबू, जिंदगी भर सेट मारते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना है, जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं लाने का प्रयास करेगा तब तक कोई उपाय नहीं। ध्यान रखना है, तो जैसे हम करवा रहे हैं काहे कि देखिए आपको दरोगा बनना है, और दरोगा बनने के लिए पटना में कम से कम आपका 2 से 3 लाख लाइन में खड़ा है, 2 से 3 लाख स्टूडेंट विद्यार्थी लाइन में खड़ा है। उस लाइन में आपको आगे पहुंचना है, आगे पहुंचाने के लिए, आगे पहुंचने के लिए टीचर का मेहनत और विद्यार्थी का मेहनत दोनों रहेगा तब होगा। जैसे अभी हम आपको ये सब रिवीजन करवा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी लगभग मेन चैप्टर रिवीजन करा दिए, अब एक बार और आएगा कि 3-4 घंटा में हम पूरा सोट देंगे। फास्ट रिवीजन शुरू में थोड़ा सा चलता है स्लो, लेकिन एक बार और राउंडिंग घुमाएंगे तो पूरा सोट देंगे, ध्यान रखना निकल जाएंगे। तो पढ़ले रहिएगा तो नहीं, तो बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ध्यान रखना है, क्लास छोड़ने से आपको फायदा नहीं है, क्लास छोड़ने से जॉब हो जाता तो हम भी आपका छुट्टी दे देते, जाए हम भी आराम करते हैं, ध्यान रखना है। खैर यहाँ पर तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। किस आधार पर बोला गया? क्योंकि सभी कोशिका में रासायनिक उपचाय की क्रिया समान होती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे 6th पॉइंट, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, ये भी कोशिका सिद्धांत में ही कहा गया, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। 7th पॉइंट, कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो एक संतति से दूसरे संतति में वंशगत होता है, इसलिए कोशिका को वंशानुगत इकाई भी कहा जाता है। इसी के अंदर तो डीएनए आरएनए है, कोशिका के केंद्रक में नहीं डीएनए है, ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत मीनाओं ने यह बताया कि कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई, इतना बात याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाद में घर पर जाइएगा तो थोड़ा फास्ट करके 1.250 पर YouTube पर जाकर देख लीजिएगा, मेन पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जब लिखने का समय नहीं मिल रहा है तो, ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, तो याद रहेगा नहीं? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडन और पादप कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडन। जंतु कोशिका? स्वान। स्वान नहीं, लेकिन कोशिका विभाजन मिर्चाओ। कोशिका सिद्धांत में पहला बात बोला गया कि कोशिका का शरीर, सभी जीव जंतु का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका। दूसरा रचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तीसरा आधार रूप से समान। और चौथा कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति। पांचवा रासायनिक संगठन उपापचयी समान। और इसी आधार पर बोला गया तो 6th पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका बनता है, और 7th वंशानुगत पदार्थों होता है, इसमें वंशानुगत पदार्थ होता है, डीएनए होता है, और शरीर का रचनात्मक इकाई होता है, ये भी बहुत बोला गया। चलिए आगे आते हैं, यही को लिख दिया है बिरचाओ साहब, नई कोशिका जो है पहली बार बिरचाओ साहब ही बताए थे, ध्यान रखिएगा कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही होता है, इस बात को बताने वाले विद्वान बिरचाओ साहब ही थे। बिरचाओ थे, 1855 में बताए थे जी, 1855 में, ध्यान रखिएगा। तो बाद में ये ऐड किया गया, समझ गए? कोशिका सिद्धांत 1839-40 में ही दिया गया, 1840-39 में ही दिया गया कोशिका सिद्धांत, लेकिन बाद में, सबसे बाद में कोशिका सिद्धांत में ये बात ऐड किया गया, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये बात जो है बाद में ऐड किया गया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सिद्धांत की आपका जो है बात, या कौन से कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें जो है सबसे बाद में जुड़ गया, या बाद में जोड़ा गया, तो यही नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका, ध्यान रखिएगा। फिर बताएं मैक्सवेल जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, स्टॉर्सबर्गर ने आपको जो है बताया था
कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत, मतलब अस्टोर बर्गर ने ही पहली बार बताया कि कोशिका के केंद्रक में ही आपका डीएनए होता है, या अनुवांशिक पदार्थ जो होता है कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है, इस बात को बताने वाला पहला विद्वान अस्टोस बर्गर थे। अस्टोस बर्गर, ध्यान रखिएगा, जब जब बर्गर खाने जाइएगा तब तक याद रखिएगा कि भैया कौन था, अस्टोस बर्गर, जो बताया था केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ। चलिए इस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए जीव द्रव के बारे में थोड़ा सा, तो जीव द्रव के बारे में बताए हैं, जीव द्रव का खोज कौन किया, दुर्जाडीन, दुर्जाडीन ने जीव द्रव का खोज, दुर्जाडीन, लेकिन जीव द्रव का नाम कौन दिया, पुरकिंजे, पुरकिंजे, और जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया, मैक्स सुल्ज, मैक्स सुल्ज, ध्यान रखना है। जीव द्रव यह तरल गाढ़ा रंगहीन परभाषी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है, इसमें जैविक क्रियाएं होती है। जी पूछेगा कोशिका के किस अंग में जैविक क्रिया होती है, तो जीव द्रव, जीव द्रव में होता है, ध्यान रखना है। कोशिका के किस आपका अंग में आपको जो है जैविक क्रिया होता है, तो जीव द्रव में। इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसको, जीव द्रव, इसको दो भाग में, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव जो होता है, ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, जबकि केंद्रक द्रव जो होता है केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर, ध्यान रखिएगा। जीव द्रव में 99% भाग जो है चार तत्वों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन, तो जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ध्यान रखना है। कोशिका जो है आपका ज्यादातर चार तत्वों से मिलकर के बना होता है, ये आपका जीव द्रव। जीव द्रव का 99% भाग ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ध्यान रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार तत्वों से मिलकर के बना होता है जीव द्रव, ये आपको ध्यान रखना है, चार तत्व से। हालांकि जीव द्रव में 80% में क्या होता है, वाटर होता है, इसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ भी होता है जी, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिलता है जीव द्रव में, याद रखिएगा। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का रेशियो 81:19 होता है, 81:19 होता है, ध्यान रखिएगा, 81:19 होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 81:19 याद रहेगा। जीव द्रव का खोज कौन किया, दुर्जाडीन। जीव द्रव का नाम कौन दिया, पुरकिंजे। जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया, और जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न होती है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म में, ध्यान रखना है। और जी आपका जीव जंतु के जीवन का आधार जो है, जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं, जीव द्रव, भौतिक आधार जीव द्रव को। और जीव द्रव का 99% भाग कितने तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें वाटर कितना, 80%, और अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का रेशियो कितना, 81:19, 81:19, ध्यान रखिएगा, 81:19, ये आपको ध्यान रखना है, 81:19 होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला टॉपिक की ओर। अब देखिए कोशिका की संरचना, तो कोशिका की संरचना में अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, कोशिका की संरचना में अगर बात करें तो कोशिका की संरचना में देखिए सबसे पहले पादप कोशिका जो होता है आयताकार, और जंतु कोशिका वृत्ताकार, जंतु कोशिका वृत्ताकार, और पादप कोशिका आयताकार, पादप कोशिका आयताकार होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये हमारा कोशिका द्रव है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कोशिका है, याद रखिएगा, ये हमारा सेल है, ठीक। अब सेल के बाहरी भाग में जो आवरण होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये कोशिका झिल्ली जो होता है ना दोहरी परत वाला होता है, देखिए एगो बाहर में ऐसे परत बना हुआ है
और एक और इधर परत बना हुआ है। तो यही भी हार्द्रोग का पीटी में पूछा था, आपको याद होगा, एग्जाम दिए होंगे तब, ध्यान रखना। एक तरफ कोशिका के कुछ प्रमुख अंग का नाम और एक तरफ दिले था कि एकल झिल्ली दोहरी झिल्ली की एकल झिल्ली, याद है नहीं याद है, ध्यान रखना है, याद है ने? मिलान करने वाला दिले था कोशिका झिल्ली राइबोसोम माइट्रोकोंड्रिया। 2022 बिहार दरोगा पीटी एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपको नहीं याद रहता है, हमारा सब याद रहता है, कहे कि हम पढ़ाते हैं ना तो याद रखेंगे ना, कौन कहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बताएंगे ना, और प्रूफ के साथ में बोलते हैं कि यहाँ पर देखो ये प्रश्न पूछ लेता, ध्यान रखना है, सब थ्योरी से ध्यान रखना है। अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 90 से 100 क्वेश्चन कम से कम आपको रेगुलर जो पढ़ाते हैं वो टॉपिक से रेगुलर आपको बताते हैं, और 90 से 100 क्वेश्चन का तो आपका काम है। हमको जब इतना हार्ड क्वेश्चन है तो 100 लाइए ना, हार्ड हार्डली 90 से 100 के बीच में लाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन सब बेसिक ऑप्शन भी जो था, ध्यान रखना है, ऑप्शन भी जो था वो आपका एकदम पढ़ने वाला था, कि जब तक ऑप्शन चारों को नहीं पढ़ेगा तब तक छठवें, और जहां मिस्टेक किए गलती हो गया, गलती हो जाएगा, ध्यान रखना है। एक दूगो हमको से गलती हो गया, मास्टर होकर गलती कर देते हैं, तो स्टूडेंट के कहा लोग बता सकते हैं, सोच सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। तो ये आपका कोशिका झिल्ली जो होता है ना, दोहरी परत वाला झिल्ली होता है, समझ गए हैं? तो एक तरफ देखिए क्वेश्चन क्या था, एक तरफ था कोशिका झिल्ली, एक तरफ था राइबोसोम, एक तरफ था माइट्रोकोंड्रिया, ठीक, और इधर एक तरफ था एकल झिल्ली दोहरी झिल्ली एकल झिल्ली। अब नीचे मिलान करने वाला था, मिलान कीजिए कौन आपका सही है, ध्यान रखना है। बिहार दरोगा में आपको पीटी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं से आपका कवर होगा। ये कोशिका झिल्ली अगर एकाध गो ही पता रहेगा तो मार दीजिएगा, पकड़ा जाएगा वहां से, ध्यान रखना है। तो यहां पर कोशिका झिल्ली जो होता है ना, ये देखिए दोहरी परत वाला झिल्ली है, ये दोहरी परत वाली झिल्ली होता है कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड और प्रोटीन, तो कोशिका के सबसे बाहरी वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, समझ गए? और कोशिका के अंदर वाला भाग मेन आपका हो गया केंद्रक हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर भी बहुत सारा तरल पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, ध्यान रखना है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव, और केंद्रक झिल्ली, ये आपका केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली रहेगा, केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली होता है, और ये केंद्रक झिल्ली भी दोहरी होता है, एकल नहीं दोहरी, केंद्रक झिल्ली भी दोहरी झिल्ली है, ध्यान रखना है। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव, और इसी कोशिका द्रव में कोशिका अंग होता है। कोशिका अंग बोले तो माइट्रोकोंड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, अंतःस्रावी जालिका, जितना भी कोशिका का अंग है सब आपका मिलेगा किस में, तो कोशिका द्रव में। लेकिन केंद्रक द्रव में कौन होगा, डीएनए आरएनए, ध्यान रखना है, मेन रूप से केंद्रक में होगा, गुणसूत्र, गुणसूत्र केंद्रक में होता है, ध्यान रखना है, गुणसूत्र डीएनए आरएनए सब आपको केंद्रक में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका के तीन अंग, ये आपका जो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी ने जी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्ट आपका जो है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन, ध्यान रखना है। यहाँ पर कोशिका है इसका अध्ययन साइटोलॉजी होता है, इसमें 70 से 90% जल होता है, 10 से 15% प्रोटीन होता है, और 3% कार्बोहाइड्रेट, 2% लिपिड, और 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जल होता है, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मात्रा में जल, ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव में, कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में जल, फिर आपका प्रोटीन होता है,
दूसरा नंबर पर प्रोटीन, तब तीसरा नंबर पर आपको जो है न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, जल प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, जल प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, तब इसके बाद आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तब आपका लिपिड आ जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए कोशिका झिल्ली, तो वही सब बात लिखा हुआ अभी आपको जो बताएं, देखिए प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह आपका झिल्ली अर्ध पारगव्य होता है, अर्ध पारगव्य के मतलब आपका जो है छन्नी के जैसा होगा, जैसे आपका जो है चाय को छानते हैं न, ध्यान रखना है, तो उसमें गाद ऊपर में छना आता है, मेन रूप से आपका पानी नीचे चला आता है, ध्यान रखिएगा। तो अर्ध पारगव्य के मतलब होता है कुछ पदार्थ अंदर नहीं जाने देगा और कुछ पदार्थ को अंदर जाने देगा, अर्ध पारगव्य झिल्ली, ध्यान रखिएगा। और कोशिका झिल्ली, ध्यान रखिएगा, कोशिका के बाहरी भाग जो है उस कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर वाला पदार्थ अंदर जाता है, या अंदर वाला पदार्थ जो बाहर आता है, वो आपका मेन रूप से जो विधि के द्वारा आता है उस विधि का नाम है परासरण विधि, विसरण नहीं, परासरण, परासरण, ध्यान रखना है। हाँ, कोशिका जो होता है सेल, वो कोई भी आपका पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा तो विसरण विधि, सेल लेके जाएगा तब, लेकिन सेल के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है आ रहा है तो परासरण विधि, परासरण विधि, ध्यान रखिएगा। सेल के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है आ रहा है तो हमारा परासरण विधि के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये भी याद रखिएगा। अर्ध पारगव्य कोशिका झिल्ली के माध्यम से जो पदार्थ आवागमन करता है वो कौन सी विधि के द्वारा, परासरण। कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन किस विधि के द्वारा, परासरण, परासरण विधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ये अर्ध पारगव्य झिल्ली है, ध्यान रखिएगा। अर्ध पारगव्य का अर्थ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, मतलब कुछ पदार्थों को चयन करता है, छानता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह दोहरी झिल्ली दिखाई देती है। अब ये बताएं कि दोहरी परत से मिलकर के बना होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का, और दो परत की जो है प्रोटीन का दो परत और लिपिड का एक परत होता है इसमें, ध्यान रखना है। उसके अंदर भी आपका प्रोटीन के दो परत और लिपिड के एक परत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रहेगा कोशिका झिल्ली में, तो कोशिका झिल्ला झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका की पादप कोशिका, जंतु कोशिका की पादप कोशिका, लेकिन कोशिका भित्ति पादप कोशिका, कोशिका भित्ति पादप कोशिका, सेट प्रैक्टिस में, सेट प्रैक्टिस में कोई पूछने आता था, हम थोड़ी कुछ, बस खाली टाइम बता दिए, सेट बता दिए, बाकी कुछ नहीं। पसंद है तो मारो, अपने मारेगा तो सुनेगा था, नहीं पसंद है घर जाओ। बैच में तो तुमको थोड़ा सा बता देंगे कि चलो भाई बैच में हम पढ़ाते कैसे, हमारा सिस्टम कैसे, वो बता देंगे 5 मिनट, सेट में नहीं, ध्यान रखना है। सेट में आप पैसा दीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा, तो 1 महीना एवे करिएगा, 1 महीना में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिद्धांत क्या है, क्या थ्योरी है, अपने आप पता चल जाएगा 1 महीना में कि हम अगला महीना पैसा दे के मारेंगे या नहीं मारेंगे, ध्यान रखना है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे आते हैं, तो यह हमारा हो गया। तो कोशिका झिल्ली याद रहेगा, कोशिका एकल परत की दोहरी परत, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कितने परत, लिपिड के एक परत, लिपिड का एक परत, और ये अर्ध पारगव्य होता है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का आवागमन किस विधि के द्वारा, परासरण, परासरण। अब देखिए कोशिका झिल्ली का काम,
तो कोशिका झिल्ली का काम क्या है? अंदर वाला भाग को रक्षा करेगा और क्या करेगा? ये कोशिका के अंदर वाला भाग को रक्षा करेगा, कोशिका के आकार को बनाए रखेगा, कोशिका को आकार को बनाए रखे, कोशिका के आकार को बनाए कर रखेगा, निश्चित करेगा आकार को, यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, ध्यान रखना है, और ये सीमित झिल्ली का कार्य करेगा, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर जाने से नियंत्रित करेगा, और जंतु में यह सिलिया, प्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायता करता है, ध्यान रखना है। तो मेन रूप से कहिए ने कि कोशिका के आकार को निश्चित कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ध्यान रखना, पदार्थों को नियंत्रित करता है कोशिका झिल्ली, मेन इसका यही काम है। अब देखिए कोशिका भित्ति, तो जैसे कोशिका झिल्ली बताए जंतु में, वो सही पादप में कोशिका भित्ति होता है, पादप में कोशिका भित्ति होगा, ध्यान रखना है, पादप में कोशिका भित्ति होगा, ये भी दो परत का होगा, लेकिन ये लिपिड और प्रोटीन का नहीं बना रहेगा, ये किसका बना रहेगा? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति सेलुलोज का, और पेड़ पौधे में कोशिका के आकार को निश्चित करेगा, ये भी अर्ध पारगम्य भी होगा, ये भी पदार्थों को छानने का काम करेगा कोशिका भित्ति, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही बात है, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण से घिरा रहता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलुलोज की बनी होती है, पारगम्य भी होता है, अर्ध पारगम्य भी शब्द इसमें नहीं लगाइएगा, इसमें पारगम्य शब्द लगाइएगा थोड़ा सा, हाँ, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य, लेकिन कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य नहीं होता, पारगम्य होता है, ध्यान रखना है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है, देखते हैं लकड़ी वगैरह कठोर होता है, ध्यान रखना है, सेलुलोज के कारण, ध्यान रखना है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन आपका मौजूद होता है, पेड़ पौधे की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के स्थान पर यह मिलता है, इसका काम पेड़ पौधे की कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, ध्यान रखना है, पेड़ पौधे के कोशिका के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा करना, पेड़ पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, सुरक्षा सहारा देना, कोशिका झिल्ली की रक्षा करना और कोशिका को सूखने से बचाना, ध्यान रखना है। तो याद रहेगा इतना, बताइए जितना बताया उतना याद है अभी कि भूल गए तुरंत? जीव जंतु का भौतिक आधार किसको कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। पहली बार जीवधारियों का वर्गीकरण की बात कौन किया? जॉन रे। कितने वर्ग में बांटा गया था और कौन बांटा था? आरएच हेडेगर, आरएच हेडेगर। अच्छा, निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन किसका वैज्ञानिक नाम? कमल फूल का, कमल फूल ने। और पैंथ्रा लियो किसका वैज्ञानिक नाम? शेर का है। और आपका जो है बोस इंडिकस तो गाय का, साइसर एरिटिनम चना का, साइसर एरिटिनम चना का, साइसर एरिटिनम चना का। दीव नाम पत्ती का जनक कैरोलास लिनियस, कैरोलास लिनियस को हम लोग दीव नाम पत्ती का जनक कहते हैं। फिर बताइए जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने जी, पादप कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हो, पादप कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, जंतु कोशिका सिद्धांत स्वान। अच्छा, कोशिका को जीव जंतु का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस जीव में सभी प्रकार की कोशिकाओं की रासायनिक उपापचयी की क्रिया समान होती है। रासायनिक उपापचयी क्रिया की समानता के आधार पर कोशिका को आपको जीव जंतु रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नाम दिया, ध्यान रखना है। लेकिन नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता ही कौन बताया? बिरचाओ, बिरचाओ ने जी, ध्यान रखना है, बिरचाओ बताया। अच्छा, जीव द्रव का खोज दुर्जाडिन की पुर किंजे, दुर्जाडिन, जीव द्रव का खोज दुर्जाडिन, नाम दिया पुर किंजे, नाम दिया पुर किंजे। अब बताइए
कोशिका का कौन सा भाग है या कौन सा भाग है, कौन सा अंग है जो कोशिका के आकार को निश्चित करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका और जंतु ही कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन ने, लिपिड और प्रोटीन, लेकिन पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु का आपका जो है लिपिड और प्रोटीन का। चलिए, कोशिका झिल्ली एकल परत वाला कि दोहरी परत वाला? दोहरी परत वाला, और प्रोटीन के दो परत। कोशिका झिल्ली पहले कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली का छोटा सा परत होता है, ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली का एक छोटा सा परत, लेकिन मेन रूप से उसमें आपका जो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली का जो काम है वहां पर वो काम कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है, ध्यान रखना है, एक पतला परत होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा। तो कोशिका द्रव जो होगा, कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो गाढ़ा तरल पदार्थ होगा उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। देखिए, ये आपका जो है केंद्रक है, और केंद्रक के आपका बीच में जितना भी आपका ये छोटा छोटा आकृति के जैसा रचना दिख है सब कोशिका द्रव का भाग है। कोशिका द्रव कहाँ है याद रखिएगा, इसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी की मात्रा होती है। अकार्बनिक पदार्थ में अनेक खनिज लवण, जल, और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलता है कोशिका द्रव में, यानी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ दोनों रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ मिलेगा, और जो कि कौन, तो जल मिलेगा, वाटर, वाटर मिलेगा, ध्यान रखना है। गाढ़ा पारभासी चिपचिपा होता है जी, इसमें मौजूद पदार्थ समरूपी समांगी पदार्थ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि चीनी और पानी का घोल बना दीजिएगा, शरबत बना दीजिएगा तो उस तरह से आपका कोशिका द्रव आपको मिला रहता है, उस तरह से नहीं रहता है। जैसे गंदा पानी को देखे हैं, बालू और पानी के मिश्रण बनाइए, कहीं पर बालू ज्यादा है तो कहीं पर बालू कम है, उस तरह से आपको जो है कोशिका द्रव रहता है, इसमें सम रूप से आपको जो है सभी जगह आपको समानता नहीं मिलेगा, सभी अंग जो है जितना भी इसमें घुला हुआ पदार्थ है वो सब जगह समान रूप में नहीं रहेगा, इसमें समानता नहीं होता है, समरूपता नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये अनेक रचनाएं इसमें उपस्थित होती है, अनेक प्रकार की रचनाएं इसके अंदर होता है, उसी को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं, ध्यान रखना है। कोशिका अंग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित आपका हरित लवक हो गया, फिर राइबोसोम, अंतःस्रावजालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कोशिका द्रव में मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है, ए टू जेड आपका द्रव में मिलता है, समझ गए। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका झिल्ली युक्त अंगक नहीं होती है, मतलब कोशिका द्रव में जितना भी कोशिका का अंग हुआ नहीं, कोशिका का अंग हुआ जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी कोशिका का अंग है वो यूकैरियोटिक में अगर रहेगा, यूकैरियोटिक बोले तो विकसित कोशिका, विकसित कोशिका में जो भी कोशिका अंग है उसके ऊपर में कोई ना कोई झिल्ली रहेगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक झिल्ली रहेगा, एक परत रहेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर ये चीज देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंग में देखिएगा तो कोई झिल्ली नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, कोशिका अंग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कोशिका अंग में देखिए बहुत सारा चीज आ गया, इसमें हमारा पहला है अंतःस्रावजालिका, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा, ये सब कोशिका अंग हुआ। तो अंतःस्रावजालिका जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर अंतःस्रावजालिका, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आप देखिएगा फिगर में, तो देखिए ये छोटे छोटे आपका दाना का जैसा जो मिल रहा है ना, ये वाला जो है, ध्यान रखना है, यही हमारा अंतःस्रावजालिका है जी, चिकनी अंतःस्रावजालिका, उसी को अंतःस्रावजालिका कहेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन इसी अंतःस्रावजालिका के ऊपर कांटा जैसा कुछ रचना दिखेगा, उसको कहेंगे खुदरी अंतःस्रावजालिका,
मतलब अंतःस्त्र जालिका दो तरह का होता है, एक चिकनी और एक खुरदरी, एक चिकनी और एक खुरदरी, दो तरह का होता है, ध्यान रखना है। देखिए इसमें अगर गौर से देखिएगा, जूम करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ध्यान रखना है, देखिएगा। अब देखिए ये हमारा सिर्फ ऐसे है, ठीक, ये हमारा सिर्फ इस तरह से है और थोड़ा सा बड़ा होता है, ध्यान रखना है। लेकिन जरा इसमें देखिएगा आप, इसमें जरा देखिए, इसमें जरा देखिएगा, इसमें ऊपर में कोई आपका जो है फेंके हुए कांटा के जैसा, इसमें भी देखिए ऊपर में फेंके हुए है, तो यही आपका खुदरी अंतःस्रावी जालिका है, यह हमारा खुदरी अंतःस्राव जालिका है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी आपका जो खुदरी अंतःस्राव जालिका में आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसी में चिपका हुआ रहता है, क्योंकि चिकनी वाला में नहीं चिपिएगा, चिकनी वाला में तो फिसल के गिर जाएगा, ध्यान रखना है, लेकिन खुदरी अंतःस्राव जालिका में लटका हुआ रहेगा। तो राइबोसोम किसमें मिलता है, तो खुरदरी अंतःस्राव जालिका, ध्यान रखना है। इसके बाद और देखिए, और अगर हम लोग आते हैं लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो होता है, जो देखिए गोल अंडा के जैसा इसमें दिख रहा है ना, ये सब आपका लाइसोसोम है, ये सब लाइसोसोम है, ध्यान रखना है। गोल अंडा के जैसा दिखने वाला हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम है, ध्यान रखना है, लाइसोसोम याद रखिएगा, लगभग गोलाकार मिलता है, और ये जो आपको जो अंतःस्र जालिका तो लगभग बेलनाकार मिलता है, अंतःस्र जालिका। इसके बाद देखिए हरित लवक को देखिए, यहाँ पर ये लगभग चप्पल के आकार के जैसा, पैरासीमियम के आकार के जैसा, या नारियल का खोल देखे हैं ऊपर वाला, एकदम वैसा ही देखने में आपको लगेगा, ये आपका हरित लवक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गोल्जी बॉडी देखिए यहाँ पर है, इसके बाद देखिए आपको जो है आपका राइबोसोम अगर देखिएगा तो आपका उसमें हो गया, कोशिका द्रव्य यहाँ पर है, हरित लवक देखिएगा, चांद के जैसा जो भी आपको दिख रहा है सब हरित लवक है, ये देखिए ये आपका हरित लवक। राइबोसोम जहाँ तहाँ दाना दाना के रूप में मिलता है, ऐसे ज़्यादातर आपका रुकरी अंतःस्र जालिका मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको इस तरह से आपको मिलता है, ध्यान रखना है, तो ये कोशिका अंग हो गया। अब देखिए तो यदि हम देखते हैं अंतःस्र जालिका, तो अंतःस्र जालिका लाइपोप्रोटीडीन का बना होता है जी, अंतःस्र जालिका जो होता है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है, कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाहर झिल्ली वाले प्लाज्मा झिल्ली में होता है, एक होता है चिकनी एक होता है रुकरी, ध्यान रखना है। चिकनी अंतःस्र जालिका चिकनी होती है, जबकि खुदरी अंतःस्र जालिका खुदरी होती है, और इसके बाहरी आवरण पर छोटे छोटे दाना के रूप में क्या मिलता है, राइबोसोम, राइबोसोम, ध्यान रखना है। अब इसका काम क्या है, तो अंतःस्र जालिका का मेन काम होता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करना, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करना, केंद्रक झिल्ली को ही बनाता है, केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को जाने का पथ बनाना, रास्ता बनाना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो आप याद रखिए अंतःस्र जालिका ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये दो तरह का होता है चिकनी और खुरदरी, अंतःस्र जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और इसी में आपको राइबोसोम के छोटे छोटे दाने के रूप में बिखरा हुआ रहता है। इसका काम क्या है, कोशिका के झिल्ली के निर्माण में मदद करना, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करना, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करना, इसके साथ साथ कोशिका द्रव से केंद्रक में ले जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों का जो रास्ता होता है, रोड जो होता है, उस रास्ता को बनाने में मदद करना, मतलब आपका जो है परिवहन पथ का निर्माण करना। देखिए एक होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या होता है, कोशिका के अंदर अनेक प्रकार की पदार्थों को लेके जाता है, कोशिका के द्रव से बाहर से कोशिका के केंद्रक के अंदर अनेक पदार्थ को लेके जाएगा, ढोवेगा,
लेकिन ले जाने वाला जो रास्ता होगा ना, रास्ता, वो रास्ता बनाता है अंतःस्रावी जाली का, उस रास्ता को बनाता है अंतःस्रावी जाली का, और ज्यादा कुछ नहीं, अंतःस्राव जाली का। याद रहेगा इसको अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःस्राव जाली का किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। अंतःस्राव जाली का कितने प्रकार का? राइबोसोम किस में रहेगा? खुरदरी में। और अंतःस्राव जाली का कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली को बनाने में न, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में ध्यान रखना है अंतःस्राव जाली का। और अनेक प्रकार के अनुवांशिक पदार्थों को ध्यान रखना है, अनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव से केंद्रक या केंद्रक से कोशिका द्रव में आपका ले जाने वाला रास्ता बनाता है कौन जी? तो आपका जो अंतःस्रावी जाली का, ध्यान रखिएगा। खुदरी अंतःस्राव जाली का जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। अब देखिए राइबोसोम, तो राइबोसोम में अगर देखते हैं आप, तो देखिए राइबोसोम जो होता है लगभग आपका दाने दाने के रूप में बिखरा हुआ रहता है। पहला पॉइंट, राइबोसोम का खोज किया था जेई पलाइडे, जेई पलाइडे, जेई पलाइडे ने राइबोसोम का खोज किया था। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब दिखेगा आपको राइबोसोम। और राइबोसोम में जो है प्रोटीन एकदम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का घड़ा कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का घड़ा, राइबोसोम को प्रोटीन का घड़ा कहते हैं, ध्यान रखना है। और ये अंतःस्राव जालिका के झिल्लियों के सतह पर सटा रहता है, वो भी किस में? तो आपको खुरदरी वाला में। और राइबोसोम कोशिका द्रव में अकेले या गुच्छे के रूप में होता है, और ऐसा राइबोसोम जो गुच्छे के रूप में होता है उसको पॉली राइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम, ध्यान रखना है। राइबोसोम, पॉली राइबोसोम जो होता है प्रोटीन यानी आरएनए की बनी होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S आपका होता है जी, 80S, और प्रोकैरियोटिक में 70S। एस जो है यहाँ पर एक तरह का गुणांक है, प्रोटीन को दर्शाने वाला एक गुणांक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। मेन रूप से याद रखिएगा राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का घड़ा, राइबोसोम को प्रोटीन का घड़ा। यूकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम? 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S। और ये आपको जो है दाने दाने के रूप में बिखरा हुआ रहता है न, और ये आपका जो है आरएनए से मिलकर के बना होता है राइबोसोम। चलिए अब देखिए गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण भी देखिएगा, ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी जो देखिएगा इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही हमारा गोल्जी बॉडी है। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। ये छड़ जो मुड़ा हुआ छड़ होता है ना, एकदम वैसा ही दिखेगा गोल्जी बॉडी, मुड़े हुए छड़ के समान ये दिखता है गोल्जी बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका में पहली बार देखा था ही, और ये मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे के समान आपको प्रतीत होता है गोल्जी बॉडी, याद रखिएगा। और गोल्जी बॉडी जो होता है मुड़ी हुए आपको जो छड़ के समान आपका बना हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, डिक्टियोसोम भी कहते हैं इसको। और गोल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाएं, जीवाणु, नीलर शैवाल और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के आरबीसी में, आरबीसी में, और जीवाणु किस में? तो कुछ जीवाणु में, नीलर शैवाल में और प्रोकैरियोटिक में आपको जो है गोल्जी बॉडी नहीं रहे। मतलब स्तनधारियों के आरबीसी याद रखिए, और जीवाणु याद रखिए, और नीलहरित शैवाल याद रखिए, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आपका जो है गोल्जी बॉडी नहीं होता है, याद रहेगा। तो सबसे पहले बताएं आपको अंतःस्रावी जालिका, अंतःस्राव जालिका जो है ध्यान रखिए ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगन है जी, और ये बेलनाकार रहता है, दिखता है। जालिका दो तरह का होता है, एक चिकनी और एक खुरदरी, और किसमें राइबोसोम रहता है? राइबोसोम किसमें रहेगा? खुरदरी में, राइबोसोम खुरदरी में रहता है, ध्यान रखिएगा। और अंतःस्राव जालिका का काम क्या है?
तो अंतःस्रजाली का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करना, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करना, या केंद्रक प्लेटों का या कोशिका प्लेटों को बनाना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका भी काम है ध्यान रखना है, और केंद्रक से कोशिका द्रव में, केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने वाला रास्ता का निर्माण करना। केंद्रक से कोशिका द्रव में आपका अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने वाला रास्ता का निर्माण करना किसका काम है? अंतःस्रावी जाली का। राइबोसोम, राइबोसोम का खोज जेई पलाइडे ने, राइबोसोम का खोज जेई, एक बात और, राइबोसोम जो होता है एकल परत वाला झिल्ली से घिरा रहता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में इसके बाहरी आवरण, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके बाहरी आवरण पर किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं रहेगा, यह आपको ध्यान, किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब प्रोटीन का घड़ा राइबोसोम ने जी, प्रोटीन का घड़ा राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का घड़ा कहते हैं, ध्यान रखना है, प्रोटीन का घड़ा राइबोसोम को कहते हैं। और यूकैरियोटिक में कितने प्रकार का राइबोसोम? 80s। यूकैरियोटिक में 80, प्रोकैरियोटिक में 70, प्रोकैरियोटिक में 70, और गुच्छा के रूप में होता है उसको पॉलीराइबोसोम ने। चलिए फिर बताएं आपको तीसरा हम लोग का आया कौन? गोल्जी बॉडी का खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया, कैमिलो गोल्जी, और ये मुड़े हुए छड़ के समान ने होता है, मुड़े हुए छड़ के समान, ध्यान रखना है, मुड़े हुए छड़ के समान होता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ जीव में गोल्जी बॉडी नहीं मिलता है, जैसे आपको आरबीसी में नहीं मिलेगा, जीवाणु में नहीं मिलेगा, नीलहर शैवाल में नहीं मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। चलिए हला नहीं, अब गोल्जी उपकरण का काम देखिए, गोल्जी उपकरण का काम देखिए, इसका काम क्या है? देखिए पढ़ने में किसको मन लगता है और पढ़ाने में किसको मन लगता है? किसी को नहीं, लेकिन हर कोई का मजबूरी है, हमको ही मजबूरी है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, किस लिए? कि भाई लोग जानेगा कि नहीं पढ़ाई के साथ रिवीजन होगा, हमारा नाम, नया नाम बनेगा, इसलिए क्लास के अलावा पूरा धुआं उड़ा के रिवीजन कराते हैं, मेहनत कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पटना में दो चार जगह जमीन खरीदने के लिए, मेन मकसद मेरा यही है। आप रहे हैं जैसे हम आपको आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आपको भी तपना पड़ेगा, समझ गए? हमारा पास लैकन आता है ना, तो जैसे हम जलते हैं ना, वैसे ही लैकन को भी जलने के लिए सिखाते हैं, सूरज की तरह जलो तुम, तपो, जब तक तुम तपेगा नहीं तब तक तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक बात और, जिस समय आपको पढ़ने में मन नहीं लगा उस समय और अंदर से इंटरेस्टिंग जगाइए और मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए सक्सेस, लक्ष्य, सफलता आपका जो कदमों में चूमेगा, एक नहीं 75 गो आके कहेगा कि भैया हम तोरे जगह आपको रहेंगे, 75 गो नौकरी आपके हाथ में रहेगा, ज्वाइनिंग रहेगा। और मेरा ही विद्यार्थी जी, कम से कम 10-15 ऐसा विद्यार्थी कि एक नहीं चार चार पाँच पाँच गो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया, जिसमें सबको त्याग दिया, हटा दिया, और अंतर दरोगा सचिवालय जो है आपका जहाँ पर SMS स्टेशन मास्टर में ज्वाइनिंग किया सर, ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए? एक चीज बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, तो अब देखिए गोल्जी बॉडी का काम, गोल्जी बॉडी का काम क्या क्या है? तो सबसे पहला इसका काम जानते हैं क्या है? अनुवांशिक पदार्थ को ले आने का काम करता है, ढोता है, यानी एक प्रकार के आपका जो पदार्थों को कोशिका के एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है, इसलिए गोल्जी बॉडी को हम लोग जो है कोशिका का परिवहन तंत्र कहते हैं, कोशिका का परिवहन, कोशिका का यातायात कहते हैं, कोशिका का यातायात, ध्यान रखना है, कोशिका को ढोने का काम, कोशिका में अनेक पदार्थों को ढोने का काम करता है गोल्जी बॉडी, यातायात हमारा गोल्जी बॉडी। इसके बाद ध्यान रखना है कुछ पदार्थों का श्रवण भी करता है जी,
कुछ पदार्थ का श्रवण करके कुछ अनेक प्रकार के कोशिका अंग के निर्माण में मदद करता है, जैसे लाइसोसोम, प्रिक्सोसोम। लाइसोसोम प्रिक्सोसोम का निर्माण एरे से होता है। अगर ये कहेगा कि हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, ननक ना नहीं बन पाएगा। बनेगा बहुत कठिन परिश्रम से बनेगा, बहुत चीज को झेलना पड़ेगा उसको। जैसे हम अगर छोड़ दिए गए, हम रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, पटना छोड़ के भाग गए, तो जॉब लगेगा, लेकिन जितना समय में हम लगवा देंगे कम समय में, उतना समय में आप अपने से नहीं ले पाइएगा। जैसे हम इतना रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, अदर कोचिंग जगह जाके देखेगा तो करा रहा है कुछ नहीं। शनिवार रविवार और फ्राइडे तीन दिन आपका तीन तीन घंटा का ले लिए क्लास आपको, चलो भाई वो रिवीजन हो जाएगा पूरा, टोटली हम लोग कमांड बना लेंगे, प्लस आप घर पर बैठिए, बैठ के पढ़िए एकदम आराम से। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि लाइसोसोम प्रिक्सोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी की मुख्य भूमिका होती है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो बहुत ही परेशानी से बनेगा। इसलिए कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक, कोशिका का मुख श्रवण अंगक हम लोग किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी। कोशिका का मुख श्रवण अंगक हम लोग किसको कहते हैं, तो आपका गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को हम लोग कोशिका का मुख श्रवण अंगक कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी को लाइसोसोम परिक्सोसोम के निर्माण में मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इसमें सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण भी होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका पलेट बनाने में भी सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किया था कौन, तो डी डुब्बे 1955 में, समझ गए, 1955 में। यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिनके चारों ओर पतली झिल्ली भी होती है और एकल परत वाला झिल्ली। जितना भी कोशिका का अंग बताए न, सब आपका कोशिका के अंग में एकल परत वाला झिल्ली रहेगा, खाली माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी परत वाला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खाली दोहरी परत वाला होता है, जितना भी कोशिका का अंग है सब में लगभग एकल परत वाला कोशिका झिल्ली होता है। ये भी आपका झिल्ली से घिरा रहता है, ध्यान रखना है। लाइसोसोम देखिए यहाँ पर आपका ये सब लाइबोसोम है, गोलाकार जो दिख रहा है थैली के जैसा, ये थैली के जैसा आपको रहेगा, ध्यान रखना है। लाइसोसोम है, ये सब लाइसोसोम पूरा कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कोशिका द्रव्य में। अब देखिए लाइसोसोम का आकार छोटा थैला के जैसा होता है, जैसे आपका खाना खाने वाला थैला देखे हैं, वही आपका जो है थैली के जैसा आपको रहेगा ही, ध्यान रखना है लाइसोसोम। इसमें विभिन्न प्रकार का एंजाइम होता है, ऐसे लगभग कहा गया कि इसमें 26 प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम में 24 आपका प्रकार का एंजाइम। एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रोटीन को ही हम लोग एंजाइम कहते हैं, ध्यान रखना है, जो रासायनिक उपापचय की क्रिया में मदद करता है। हमारे बॉडी में जितना भी क्रिया हो रहा है उस क्रियाओं को होने में मदद करता है एंजाइम, ध्यान रखना है। तो ये एंजाइम होता है, ध्यान रखना है, लगभग 24 प्रकार का। और यही एंजाइम क्या करता है, कोशिका द्रव में या कोशिका में जो भी हानिकारक जीवाणु विषाणु जो भी है उसको मार गिराता है, मार गिराता है। और कोशिका जब लाइसोसोम फटता है और लाइसोसोम फटने के बाद इसके बाहर में जितना भी एंजाइम रहता है अंदर में सब बाहर निकलता है, और जहाँ जहाँ कोशिका में पड़ता है, कोशिका द्रव में जहाँ जहाँ इसका एंजाइम पड़ता है वहाँ के भाग को सुखा देता है, वहाँ के भाग को सुखा देगा। या जो भी अनावश्यक पदार्थ है वहाँ पर, जो अनावश्यक पदार्थ जमा हुआ है उस अनावश्यक पदार्थ को पचा लेगा, एकदम साफ कर देगा। तो लाइसोसोम कोशिका के लिए बहुत ही आपका जो है उपयुक्त एक अंग मानी जाती है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपका अंग मानी जाती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम लोग बहुत नामे से जानते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का पाचन थैली लाइसोसोम, कोशिका का आइटम बम लाइसोसोम, कोशिका को साफ करने वाला अंग लाइसोसोम, ध्यान रखना है। तो इसको
आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, समझे? अब वो जमाना गया कि आपसे डायरेक्ट पूछ दे, आत्महत्या की थैली, पाचन थैली डायरेक्ट पूछ दे, पॉसिबल ही नहीं है। लिख देते हैं कि आज के बाद ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पूछेगा। NTPC रेलवे स्टेशन मास्टर में पूछा है, बायोलॉजी का प्रश्न पूछा है, पहले तो लाइसोसोम के बारे में 4 लाइन लिखा और अंतिम में 2-3 लाइन में कहा कि आपका जो है कोशिका में अनेक प्रकार के अनावश्यक पदार्थ को, जमने वाले पदार्थ को साफ करने का मुख्य कार्य करता है। उस साफ करने वाला मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? साफ करने वाला, पाचन थैली वगैरह कुछ नहीं बोल रहा लैंग्वेज में, बस खाली कह दिया साफ करने वाला, बताइए तो साफ करेगा कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम साफ करेगा, ध्यान रखना है, तो वही है। उपापचयी क्रिया के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, लाइसोसोम फट जाता है, इसमें एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देता है, परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु भी हो जाती है, ध्यान रखना है। इस कारण कोशिका को हम लोग जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका काम क्या है? बड़े कणों या ब्राह्य पदार्थों का पाचन करना, कोशिका पदार्थों तथा अंगकों को, टूटे फूटे भाग को, कोशिका को साफ करना, जीवाणु वायरस को से रक्षा करना, कोशिका को जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट भी करता है, ध्यान रखना है। ये आपका किसका आपका काम है? तो आपका लाइसोसोम, याद रहेगा। तो कोशिका अंग बताएं, कोशिका अंग में पहला हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःस्रावी जालिका बताएं जी, दूसरा राइबोसोम बताएं, और तीसरा गोल्जी बॉडी बताएं, और चौथा लाइसोसोम बताएं। बताइए कोशिका के केंद्रक से कोशिका द्रव तक अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने वाला रास्ता कौन बनाता है? अंतःस्रावी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद कौन करता है? अंतःस्रावी जालिका, अंतःस्रावी। लेकिन लाइसोसोम और पेरिक्सोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी ने, लाइसोसोम और पेरिक्सोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पेरिक्सोसोम के निर्माण कौन? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ध्यान रखिएगा। गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है। इसके बाद आपको बताएं, ध्यान रखिएगा, ये आपको बताएं, फिर राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का घड़ा, आरएनए से मिलकर के बना होता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो होता है ध्यान रखिएगा कोशिका द्रव में होता है, और ये अंतःस्रजालिका में आपका गुच्छा के रूप में मिलता है राइबोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डी डूबे ने खोज किया, पाचन थैली कोशिका को साफ करता है, कोशिका को मार भी गिराता है, ये आपका जो है लाइसोसोम, कोशिका को जीवाणु विषाणु से रक्षा करता है। अच्छा, कोशिका का नगर निगम, हाँ कोशिका का नगर निगम भी यही हो गया, ये भी याद रखिएगा, कोशिका का नगर निगम पूरे रक्षा करेगा, ही साफ करेगा। नगर निगम का भी काम क्या है? साफ, शहर को साफ रखना, साफ सुथरा रखना, कचरे को निकालना, इसी तरह से यही है, ध्यान रखना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन, समझे, 1886 में, लेकिन अल्टमैन इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट, बाद में आया बेंडा, और बेंडा नाम दे दिया बायोब्लास्ट का नया नाम माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना, बेंडा, बेंडा ने आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन, अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बेंडा, खोज किया अल्टमैन, खोज किया अल्टमैन, नाम दिया बेंडा, याद रखिएगा। और ये कोशिका का श्वसन स्थल है जी, मेन रूप से श्वसन स्थल है, कोशिका में श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन आगे पढ़ाएंगे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, ध्यान रखना है। तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन जो होता है हम लोग को पढ़ना है, तो ऑक्सी श्वसन जो होता है ने इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सी श्वसन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, कोई निश्चित नहीं होता है इसका, ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह मतलब ऊर्जा बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल,
ऊर्जा अग्री पावर्स ऑफ द सेल किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और जिसमें जितना भी आपका जो है इसमें ऊर्जा निकलता है ने, सारा ऊर्जा को हम लोग एटीपी के रूप में मापते हैं जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में आपका ऊर्जा को हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कोशिका द्रव्य में बिक्री होती है, ध्यान रखना है। धागनुमा दानेदार गोलाकार दिखता है ये, और जंतु कोशिका में इसकी संख्या लगभग 10,000 होता है, जंतु कोशिका में 10,000। और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली पर एक अंतः झिल्ली आपका से चारों ओर घिर जाती है, ध्यान रखना है। और इसके बीच में एक गुहा रहता है खाली जगह, उसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग पर धागे नुमा रचना होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और अंगली नुमा जो होता है उसको कहते हैं क्रिस्टी, ध्यान रखना है। मैट्रिक्स और क्रिस्टी पूछता है, तो आंतरिक भाग में जो धागे नुमा रचना होगा वो हमारा होगा मैट्रिक्स, धागे नुमा रचना होगा मैट्रिक्स, और अंगली नुमा जो होगा उसको आपका क्रिस्टी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अंगली नुमा भाग को क्रिस्टी कहते हैं। पॉली आपका जो पॉलिकल के रूप में रहेगा, नहीं खोज किया था अल्टमैन, नाम दिया था बेंडा, बेंडा नाम दिया था। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो भोजन का ऑक्सीकरण करना, ग्लूकोज अणु का आपका जो पूरी तरह से तोड़ता है, ऑक्सीकरण करता है, ऊर्जा बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं। जितना भी ऊर्जा निकलता है उसमें सब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब देखिए लवक, लवक जो होता है आप देख रहे हैं आपका लवक, ध्यान रखना लवक जो होता है जंतु में नहीं मिलेगा ही, प्लास्टिड जो है लवक जो है पादप कोशिका में होता है, समझे, पादप कोशिका में लवक, पादप कोशिका मिलता है जंतु कोशिका में नहीं मिलता है, लवक पादप कोशिका में मिलेगा। लवक प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में अंडाकार गोलाकार तस्तरी नुमा होता है, लवक ध्यान रखिएगा। और विभिन्न आकार जैसे तारा नुमा, फीता नुमा, कुंडलाकार होता है। अब देख रहे हैं, देखिए तारा नुमा आपको दिख रहा है, ध्यान रखना है, कहीं फीता नुमा भी होता है, गोलाकार भी होता है, तो इस तरह से लवक है। अब देखिए लवक तीन तरह का, एक वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, याद रखिएगा लवक तीन तरह का, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी। हरित लवक जो होता है देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, तारा नुमा जिसको कहिए, ध्यान रखिएगा ये आपको जो है ये पैरामिशियम के आकार के जैसा आपको दिखेगा, आपको हरित लवक ध्यान रखिएगा। और वर्णी लवक में अनेक प्रकार के छोटे छोटे रचनाएं भी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ये जो अवर्णी लवक है पेड़ पौधे के जड़ में मिलता है जी, जड़ में मिलता है। और ये वर्णी लवक पेड़ पौधे के फल फूल में मिलता है, फल फूल का रंग जो होता है इसी वर्णी लवक के कारण होता है, इसी वर्णी लवक के कारण होता है। और हरित लवक जो है पेड़ पौधे के पत्ती में होता है, पत्ती में होता है, और पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी आपका हरित लवक के कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसी हरित लवक के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया पेड़ पौधे। अब देखिए कुछ पौधे में अलग अलग फल फूल का रंग होता है, तो फल फूल का रंग आपको पता होगा, पहले से याद भी करवाए हैं, ध्यान रखना है। तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन, लाइकोपीन। हल्दी का रंग लाल कुकरमीन, कुकरमीन। पपीता का रंग पीला किसके कारण, तो पपीता का रंग पीला जो होता है ध्यान रखना है, पपीता का रंग नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन कैरिकोनाइथिन। पपीता का रंग पीला होता है कैरिकोनाइथिन के कारण, कैरिकोनाइथिन ये आपको ध्यान रखना है, पपीता का रंग पीला कैरिकोनाइथिन के कारण। वही है टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन, और गाजर का रंग लाल कैरोटीन, चुकंदर का रंग लाल विटामिन,
और मिर्च का रंग लाल कैप्सिकम, पिछला बार बिहार दरोगा पीटी में पूछा हुआ प्रश्न, मिर्च का रंग लाल किसके कारण, तो कैप्सिकम, बिहार दरोगा पीटी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था, ध्यान रखना है। सेब का रंग लाल राइबोफ्लोविन और आलू का रंग हरा सोलेबीन, सोलेबीन, फल का रंग पीला जैल्तोफिल, जैल्तोफिल, हल्दी का रंग पीला कुकरमिन और पत्ती का रंग पीला कैरोटीन, कैरोटीन के कारण, लेकिन पपीता का रंग पीला कैरिकोनैथिन के कारण, कैरिकोनैथिन, कैरिकोनैथिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है, पपीता का रंग पीला आपको कैरो के नैथिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नोट में दे दिए हैं, नोट में आपको लिखा हुआ है, जैसे दूध का रंग आपको सफ़ेद होता है केसिन नामक प्रोटीन, दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड, मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, ध्यान रखिएगा। और तिलचट्टा का खून का रंग सफेद होता है हीमोसाइनिन के कारण, तिलचट्टा खून का रंग सफ़ेद होता है हीमोसाइनिन के कारण, लेकिन हम लोग का स्तनधारियों का खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लिखा हुआ है। हीमोसाइनिन में आपको तांबा होता है, मुख घटक तांबा होता है, हम लोग के रक्त में मुख घटक लोहा होता है, जबकि आपका जो है तिलचट्टा के आपका रक्त का जो सफ़ेद रंग होता है हीमोसाइनिन के कारण उसका मुख घटक तांबा होता है, ध्यान रखना है, यही सब है और क्या है। अब एक राजधानी है, तो राजधानी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंट्रोसोम छोड़िए। अब देखिए केंद्रक, तो केंद्रक आपका जो है ये देखिए हमारा केंद्रक, पहले तो ध्यान रखिएगा ये आपको जो है लगभग आयताकार जो दिख रहा है ये आपका पादप कोशिका है, समझें, और ये हमारा जंतु कोशिका है, तो ये हमारा जंतु कोशिका और हमारा पादप कोशिका, ध्यान रखना है पादप कोशिका। अब देखिए केंद्रक, तो सबसे पहला पॉइंट केंद्रक जो होता है ना ये हमारा कोशिका का सबसे मध्य भाग का मेन भाग जो होता है केंद्रक, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, केंद्रक का खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, लेकिन केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ चिपचिपा होता है उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका, ध्यान रखना है। और केंद्रिका का खोज किया था फेलिक फोंटाना, फेलिक फोंटाना ने केंद्रिका का खोज किया था, केंद्रिका खोज किया। केंद्रक में ही आपका डीएनए आरएनए होता है, मतलब कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो है ने वो आपका केंद्रक के अंदर ही रहेगा, इस बात को बताने वाला विद्वान स्ट्रॉस बर्गर था। अब ये ना पीछे बताएं, स्ट्रॉस बर्गर, ध्यान रखना स्ट्रॉस बर्गर, ध्यान रखना स्ट्रॉस बर्गर, ध्यान रखना है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी शाम में लगभग आपको जो है 5:15 बजे से एक क्लास हम लाइव दे रहे हैं फिलहाल के लिए कुछ दिन तक, ध्यान रखना है, उसके बाद आपको जो है बंद कर देने, कुछ दिन तक है वो सुविधा है, ध्यान रखना है, हो सकता है इतिहास में बहुत सारा टॉपिक आपको मजबूत हो जाए, 5:15 बजे से लगभग 7 बजे तक आपका चलता है, समझ गए, 5:15 बजे से 7 बजे तक आपका लाइव क्लास है, एकदम फाउंडेशन बैच में जैसे पढ़ाते हैं वैसा ही पढ़ाते हैं, रिविजन भी कराते हैं, तो आप लाइव घर पर देख सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान रखना है, लाइन कटल है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उसमें आज भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे, 5:15 बजे वाला बैच में आज भक्ति आंदोलन, जो कि बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से एकदम 100% रहता है, आपके बिहार दरोगा में आंदोलन से वही चार चार चार, पिछला बार नहीं था 2020 वाला बिहार दुर्ग
डिपार्टमेंट्स में शंकराचार्य, बलवाचार्य, रामानुजाचार्य को एक क्रम में सजाइए, पूछे हुए क्रम में सजाइए, सजाने वाला पूछ देगा। मतलब कब सजेगा? जब उसका जन्म तिथि याद रहेगा तभी ना सजेगा। तो शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, उसके गुरु का नाम क्या था, माध्वाचार्य का जन्म कब हुआ, उनके गुरु का नाम क्या था, ये सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 100% आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। हालांकि ऑफलाइन जो पढ़ लेता है, ऑनलाइन में तो उतना मन नहीं लगता है। जैसे आप ऑफलाइन में बैठ करके 2.5 घंटा इतना लगातार पढ़ लिए, आपको लगता है घर पर हम ऑनलाइन मोबाइल खोल के उतना देर बैठ जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बीच में प्रचार, प्रचार नहीं होता है क्या, वीडियो देख रहे हैं, अब मन किया जब जरा साहब का नीचे कोई आ गया किसी का वीडियो, तो लगता है कोचे हो जरा देखा, ये चल गया तब उसी पर आपको जो है आपका, हाँ और तुरंत वो खोल गया, फिर आ छोड़ हटाओ, कौन देखे जाता है, ध्यान रखना है, बाद में देखेंगे, अब बाद में रखाल रह गया। खैर आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका माइट्रोक को ए, यहाँ पर केंद्रक न है जी, तो केंद्रक में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, केंद्रक में डीएनए आरएनए होता है पहला पॉइंट, केंद्रक में गुणसूत्र भी होता है दूसरा पॉइंट, केंद्रक का खोज किया था कौन, तो आपका रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्रिका का खोज किया फेलिक फोंटाना। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ को केंद्रिका कहते हैं, समझ गए, केंद्रिका कहते हैं, ध्यान रखना है। अब आपका डीएनए जो होता है, ध्यान रखिए इसी में रहता है। अब देखिए केंद्रक का काम अगर ध्यान रखते हैं, केंद्रक का काम क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला काम, केंद्रक कोशिका की रक्षा करती है और कोशिका विभाजन में भाग लेती है। जब तक देखिए सबसे पहले कोशिका का विभाजन होता है ना, आपको बताए थे अभी कोशिका विभाजन, अभी थोड़ा सा बताए थे, अभी और आगे हम लोग को पढ़ना है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में आपको बताएं कि कोशिका विभाजन में जो बताएं, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है कोशिका विभाजन से, ध्यान रखना है। तो कोशिका विभाजन तभी होगा, कोशिका दो भाग में तभी बटेगा जब केंद्रक का विभाजन होगा, बिना केंद्रक का विभाजन हुए कोशिका का विभाजन पॉसिबल नहीं। तो कोशिका विभाजन होने के पहले सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का, पूछे हुए एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में, कोशिका विभाजन के पहले सबसे पहले किसका विभाजन, केंद्रक का, न्यूक्लियस का, सबसे पहले केंद्रक का, न्यूक्लियस का विभाजन होता है, ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट वही, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है, इसके बिना कोशिका विभाजन पॉसिबल नहीं है। कोशिका विभाजन से पहले केंद्रक विभाजन होता है, ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन से पहले केंद्रक विभाजन, ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन से पहले केंद्रक विभाजन। और कोशिका में जितना भी रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है उपापचयी की क्रिया, जितना भी कोशिका के अंदर उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया के मतलब है जैसे हम लोग के बॉडी में कैसे भोजन पच रहा है, सांस ले रहे हैं, ध्यान रखना है, तो भोजन पचने की क्रिया में जो काम हो रहा है ना, उसी को कहेंगे उपापचयी की क्रिया। एंटीबॉडी दिन प्रतिदिन बन रहा है, घट रहा है, यही क्रिया को हम लोग कहते हैं उपापचयी की क्रिया। तो जो भी उपापचयी की क्रिया होता है हमारे बॉडी में या कोशिका के अंदर, जितना भी उपापचयी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जितना ही मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उपापचयी क्रिया होती है, सारे क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका में जैविक क्रिया का नियंत्रण जीव द्रव, अभी बताए थे, पढ़ाए थे, जैविक क्रिया का नियंत्रण जीव द्रव, लेकिन उपापचयी क्रिया का नियंत्रण केंद्र। तो कोशिका में उपापचयी मेटाबॉलिक आपका जो है कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण आपको कौन करता है, तो यही आपको कोशिका केंद्र। और कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिका के विकास परिपक्व को बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण में और कोशिकीय आरएनए के उत्पन्न करता है, ये केंद्र, ध्यान रखना है। केंद्रिका का खोज फेलिक फोंटाना ने किया था, बताए, ध्यान रखना है।
तो केंद्रक में ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान रखना। अब देखिए गुणसूत्र के बारे में आ गया, गुणसूत्र भी हम लोग को एग्जाम के लिए। देखिए गुणसूत्र जो होता है किससे बना होता है, तो ये आपका क्रोमैटिन जालिका से बना होता है। गुणसूत्र का निर्माण जो है क्रोमैटिन जालिका से, गुणसूत्र का निर्माण आपका क्रोमैटिन जालिका से, गुणसूत्र का निर्माण आपका क्रोमैटिन जालिका से, ध्यान रखना है। क्रोमैटिन जालिका से होता है गुणसूत्र का निर्माण, ध्यान रखना है। क्रोमैटिन जालिका से गुणसूत्र आपका बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन जालिका जो होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, मतलब एक तरह से कहीं ना केंद्रक के अंदर जाली नुमा रचना के जैसा, आपका धागे नुमा के जैसा आपको मिलता है, जाली के आकार के जैसा एकदम लंबा मिलेगा केंद्रक के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन जालिका। और क्रोमैटिन जालिका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन होने से केंद्रक का जब विभाजन जो होता है, तो केंद्रक विभाजन होने के बाद यही क्रोमैटिन जालिका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्रोमैटिन जालिका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वही टूटे हुए टुकड़ों को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात यहां से पहला प्रश्न, गुणसूत्र का निर्माण किससे, क्रोमैटिन जालिका से। क्रोमैटिन जालिका किसका बना होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। अर्थात गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखना है। अब देखिए गुणसूत्र जो होता है, ध्यान रखना है, इसका मेन रूप से तीन भाग होता है जी, पेलिकल मैट्रिक्स क्रोमैटिड्स। गुणसूत्र के तीन भाग, पेलिकल मैट्रिक्स क्रोमैटिड्स, ध्यान रखना है। देखिए ये सबसे बाहरी भाग जो है ना, गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग, ये हमारा गुणसूत्र है, ध्यान रखना है। तो गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, इसी को हम लोग पेलिकल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और गुणसूत्र का अंदर वाला भाग, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला साहब, ये सब जो दिख रहा है, ये वाला ध्यान रखना है, ये सब अंदर वाला भाग को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और गुणसूत्र के अंदर जो आपका इस तरह से आपको रचना जो आपको दिख रहा है गुणसूत्र के अंदर, ध्यान रखना है, गुणसूत्र के अंदर जो आपका जो है इस तरह से आपका जो है रचना जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा हो गया क्रोमैटिड्स। इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। इसी के अंदर कुछ पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं क्रोमिनिमिट्टा कहते हैं। यही हमारा क्रोमैटिड्स हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया। इसी के अंदर डीएनए का अणु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को पेलिकल, एक बात और, गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर, गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर, कहते हैं टेलोमियर, टेलोमियर कहते हैं, ध्यान रखना है। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, शीर्ष भाग हमारा टेलोमियर। तो यहां से आप याद रखिएगा। और दो क्रोमैटिड जहां पर मिलता है उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसको हिंदी में अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जो क्रोमैटिड जहां पर मिलता है, दो क्रोमैटिड जहां पर मिलता है उसी को हम लोग सेंट्रोमियर। तो बताइए गुणसूत्र का निर्माण आपको हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ने, क्रोमैटिन जालिका से ने। गुणसूत्र का खोज कौन किया, वाल्डेयर, वाल्डेयर किया था गुणसूत्र का खोज, वाल्डेयर। यहां पर देखिए गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडली धागे की समान रचना जो रहता है उसको क्रोमैटिड्स, अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड्स। प्रत्येक क्रोमैटिड दो या अधिक अत्यंत मही कुंडली धागे के समान रचनाएं होती है उसके अंदर, उसको कहते हैं क्रोमिनिमेट्टा। और ये क्रोमैटिड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और दो क्रोमैटिड एक स्थान पर मिलता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है जी, गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है सेंट्रोमियर।
ध्यान रखना है, और गुणसूत्र के क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर। इतना याद हो गया, बताइए गुणसूत्र, गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय ने, क्रोमैटिन जालिका से ने, और गुणसूत्र के बाहरी भाग को पेलिकल, पेलिकल ने, और गुणसूत्र के आंतरिक भाग को मैट्रिक्स, पेलिकल से घिरा हुआ भाग को मैट्रिक्स। और गुणसूत्र में जो आपका इस तरह से डीएनए के जैसा रचना घिरा आपका जो है रहता है उसको क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड जहां पर मिलता है उसको सेंट्रोमियर, और गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है सेंट्रोमियर, सेंट्रो, और अनुवांशिक गुण को ले आने का काम करता है क्रोमैटिड, वही क्रोमैटिड जो आपका धागे नुमा रचना जो आपका कुंडली के जैसा आपका जो है बिखरा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गुणसूत्र में आगे देखते हैं तो बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, ध्यान रखना है, और जीव जंतु में इसकी संख्या निश्चित होता है, ऐसा नहीं क्या निश्चित होता है, अलग अलग जीव जंतु में इसकी संख्या अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में आपको 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा होता है, ड्रोसोफिला में 8 होता है जी, ड्रोसोफिला में 8 होता है, और मकई के पौधा में आपका 20 होता है, मकई के पौधा में कितना 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, टमाटर में 24 होता है, और आलू में 48 होता है। तो याद रहेगा मकई में कितना 20, मकई में, टमाटर में 24, आलू में 48, मेंढक में 26, मेंढक में 26 होता है, और मक्खी में 12, लेकिन ड्रोसोफिला मक्खी में 8 होता है, मक्खी 12। याद रहेगा मनुष्य में कितना 46, मनुष्य में 46, मनुष्य में 46, ध्यान रखिएगा मनुष्य में 46 तेज जोड़ा, और आपका ड्रोसोफिला में 8, मक्खी में 12, टमाटर में 24, मकई में 20, आलू में 48, आलू में 48, और मेंढक में 26 ने, मेंढक में कितना 26, और मक्खी में 12, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, हाइड्रा में 32, ड्रोसोफिला मक्खी में 8, ध्यान रखना है। और अभी तक सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो होता है रेडियो लैरियन, रेडियो लैरियन में सबसे ज्यादा 1600, अभी तक सबसे ज्यादा गुणसूत्र आपका रेडियो लैरियन, रेडियो लैरियन में सबसे ज्यादा गुणसूत्र अभी तक है कितना 1600, और सबसे कम गुणसूत्र जो है एस्काइरिस में होता है कितना 2, एस्काइरिस में सबसे कम गुणसूत्र होता है 2, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कम गुणसूत्र एस्काइरिस में 2, और सबसे ज्यादा गुणसूत्र रेडियो लैरियन में, यह ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मनुष्य में टोटल आपका 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है जी, 23 जोड़ा, तो 22 जोड़ा गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा को हम लोग सेन क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कितना जोड़ा 22 जोड़ा, और सेन क्रोमोसोम एक जोड़ा, सेन क्रोमोसोम एक जोड़ा, ध्यान रखना है। और ये तो जानते होंगे पुरुष में एक्स वाई की एक्स वाई, महिलाओं में एक्स एक्स, और यह पुरुष का एक्स और महिला का भी एक्स, तो लड़का की लड़की पैदा होगा, लड़की ने, और जब महिला का एक्स और पुरुष को वाई तब, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसमें टोटल गुणसूत्र 22 प्लस एक्स न होता है, या 22 प्लस वाई होता है जब जन्म लेता है तब, यह आपको ध्यान रखना है, जन्म लेता है तब। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होता है, यदि दोनों क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम कहा जाता है, दोनों को समजात क्रोमोसोम, जब एक समान रहेगा तब, और समजात क्रोमोसोम द्विगुणित होता है, ध्यान रखिएगा। युग्मक जैसे शुक्राणु अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका क्रोमोसोम की संख्या की आधी होती है, ध्यान रखना है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन जो होता है न्यूक्लिक एसिड का एक आपका भाग है, यानी कि डीएनए प्रोटीन जो है ना एक न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह के प्रोटीन को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखना है, जिसको हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं आप, अमीनो अम्ल। इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसका खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसका खोज आपका फ्रेडरिक मिक्सचर, इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही है, न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। वे यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं या कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुलेखित व अनुवादित करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर या कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरे जगह ले आने में मदद करे या अनुवांशिक क्रिया में काम करे, ऐसे पदार्थ को अमीनो अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल जैविक बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक मतलब नाइट्रोजन बेस मिलता है, ध्यान रखना है, पेंटोज शुगर भी मिलता है इसमें, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट का तीन समूह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये दो प्रकार का, एक डीएनए और एक आरएनए, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए और आरएनए में ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछता है, बस एक पूरा नाम पूछ लेता है जी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरएनए का पूरा नाम आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आगे आते हैं, देखिए डीएनए केंद्रक के अंदर होता है, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया और हृदयक मिलता है। तो देखिए मेन रूप से डीएनए केंद्रक में होता है, डीएनए मेन रूप से कहाँ पर रहेगा, केंद्रक, मेन रूप से डीएनए कहाँ पर, केंद्रक में, मेन रूप से डीएनए केंद्रक में। ऐसे केंद्रक के अलावा और कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया, पेड़ पौधा में हरित लवक, पेड़ पौधा में हरित लवक, ध्यान रखना है। इसका खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, लेकिन वाटसन और क्रिक जो था ये 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए के द्विकुंडल का सिद्धांत दिया था वाटसन और क्रिक, ध्यान रखना है, वाटसन और क्रिक, इसी आपका सिद्धांत के लिए वाटसन, क्रिक और विल्सन को 1962 में नोबेल प्राइज में मिला था, दिया था 1953 में, प्राइज मिला था 1962 में। और दो छड़ वाली संरचना होती है, और इसमें आपका द्विकुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है, जबकि दो न्यूक्लियोटाइड अणुओं के बीच की दूरी आपको 3.4 एंगस्ट्रम, ध्यान रखना है, 3.4 एंगस्ट्रम। न्यूक्लियोटाइड अणु बोले तो डीएनए के अंदर कई छोटे छोटे आपका अणु मिलता है, उसी अणु को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड अणु, वो दो अणुओं के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रम। लेकिन लगभग आपका जो है द्विकुंडल का व्यास इसका, जैसे द्विकुंडल हमारा ऐसा होता है ना, ये डीएनए इस तरह से आपको ऐसे हमारा डीएनए, ध्यान रखना है, डीएनए हमारा ऐसा, तो ये व्यास, ये चारों तरफ ये व्यास हुआ सर्कुलर पाथ पर, तो उसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम। लेकिन इसके अंदर आपका जो है कई न्यूक्लियोटाइड के अणु मिलता है, इस न्यूक्लियोटाइड के अणुओं के, दो अणुओं के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम, ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम विधि से प्रणाली में पहली बार डीएनए का संश्लेषण जो किया था कॉर्नबर्ग, मतलब प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए का संश्लेषण किया था कॉर्नबर्ग, ध्यान रखना है। लेकिन जेनेटिक कोड का सिद्धांत दिया था हरगोविंद खुराना, और यही जेनेटिक कोड के सिद्धांत के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था, 1968 में नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखना है, हरगोविंद खुराना जी को। लेकिन बाद में कृत्रिम विधि से जीन का संश्लेषण भी किए थे,
लेकिन जिनके संश्लेषण के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। हरगोविंद खुराना जी को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो आपका जो है इनको नोबेल प्राइज आपको किसके लिए? जेनेटिक कोड के लिए। जेनेटिक कोड के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति में जेनेटिक कोड अलग अलग होता है, उसी जेनेटिक कोड को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के माध्यम से पता लगाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट भारत में हैदराबाद में, हैदराबाद के सेलुलर मॉलिकुलर आपको जो है सेंटर में है, ध्यान रखना है, सेलुलर एंड मॉलिकुलर सेंटर में आपको जो है मिलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, इसी से अपराधी की पहचान या संतान उत्पन्न होता है, तो संतान किसका है? माता पिता विवाद संबंधित आपका जो है इसी से निपटारा किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और याद रखिएगा, डीएनए में जो होता है वो चार तरह का बेस होता है, चार तरह के क्षार काणु मिलता है डीएनए में, चार प्रकार के क्षार काणु मिलता है जी, जिसमें एक होता है हमारा ध्यान रखिएगा एडीनिन, एडीनिन थाइमिन साइटोसिन और गुआनिन, एडीनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, चार प्रकार के क्षार। डीएनए में कितने प्रकार के क्षार? चार, एडीनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, याद रहेगा डीएनए में कितने प्रकार के क्षार? चार, एडीनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। क्यों हम आपको लगातार याद करवाएं एडीनिन के बाद थाइमिन क्यों कहते हैं कह रहे हैं? क्योंकि एडीनिन सदैव थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए, डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है। एडीनिन सदैव आपका थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से, और वही बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब कभी हाइड्रोजन बॉन्ड जब कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होने के बाद यही आपका डीएनए का अणु एडीनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन जो है ये टूट करके अलग हो जाता है, और टूट करके अलग हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लेकिन बाद में मजबूत होकर के फिर से जब जुड़ जाता है, ये जब जुड़ता है तो उसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के अणु जो है टूट करके अलग हुआ तो रिप्लिकेशन, और फिर जुड़ गया तो डुप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, एडीनिन जो होता है, ये एडीनिन जो है ध्यान रखिएगा सदैव आपका एडीनिन किससे जुड़ा रहेगा? थायमिन से, डबल बॉन्ड के माध्यम से। और एक आपका जो है गुआनिन जो है ध्यान रखना, गुआनिन ये सदैव आपका साइटोन से जुड़ा रहेगा, किसके माध्यम से? ट्रिपल बॉन्ड से, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा आपसे एडीनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो डीएनए हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए डीएनए का प्रकार, डीएनए दो तरह का होता है, सब फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, ध्यान रखना है, वहाँ डेढ़ घंटा पढ़ाते हैं मात्र आपको जो है मुख्य चैप्टर, ध्यान रखना है, यहाँ पर रिवीजन की तरह चलता है, ध्यान रखना है। तो डीएनए दो तरह का, एक राइट हैंड डीएनए, लेफ्ट हैंड डीएनए, समझ गए? ऐसे समान रूप से सभी जीवों में जो होता है वो कौन सा डीएनए होता है? कौन सा? राइट हैंड डीएनए। सभी जीवों में समान रूप से राइट हैंड डीएनए, राइट हैंड डीएनए को नॉर्मल डीएनए कहते हैं। इसका द्वीप कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है, और डीएनए में प्रत्येक रोटेशन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड डीएनए को जेड डीएनए कहते हैं, और इसका डी कुंडल का व्यास 18 एंगस्ट्रम होता है, और इसमें प्रत्येक रोटेशन में 12 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, याद रखिएगा, यह हमारा हो गया। कुछ विषाणु में एकल छड़ वाला डीएनए होता है जी, सभी सजीव का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहते हैं, डीएनए को ही अनुवांशिक इकाई के रूप में जाना जाता है, हालांकि हमारे शरीर के अनुवांशिक इकाई वास्तविक रूप से जीन होता है।
डीएनए के द्वारा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन भी किया जाता है। केंद्रा के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी आपको जो डीएनए पाया जाता है, केंद्रा के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए आरएनए, ध्यान रखना है आरएनए, रहने देगा ज्यादा हो गया बता। तो चलिए इतना रिवीजन करके आइएगा, हम लोग तीन चार फ्राइडे में आपको बायोलॉजी को खत्म कर लेंगे, मुश्किल से चार फ्राइडे में खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतना रिवीजन करके आइएगा आप लोग, ये बायोलॉजी का पार्ट वन हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ही हम लोग दो तीन फ्राइडे यही पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, रहने दीजिए। कल 9 से 12 आइएगा, 9 से 12 इतिहास चलेगा, प्राचीन भारत और आपका जो है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, 9 से 12 चलेगा कल। मैथ का रिवीजन 7 से 9 है, शनिवार रविवार को 9 से 12 है, ध्यान रखिएगा।